दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि धरती पर एक वायरस फैला, जिससे हुआ तो कुछ नहीं, बस धरती पर रहने वाले इंसान और जीव जंतु सभी भसूड़ी के खेत में चले गए। बोले तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए, पर एक इंसान बच गया था जो है ये, जिसका नाम है बिरजू भड़वा। अब ये बेचारा अकेला इंसान पिछले 2 सालों से पूरी धरती के बड़े बड़े शहरों में पागल कुत्तों की तरह घूम रहा है, ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए या कोई औरत मिल जाए जिससे उसका रातों का काम चल जाए, पर उसको कोई भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने जीवन की आखिरी सांसें लेने के लिए अपने होम टाउन की तरफ बढ़ता है, जहां रास्ते में एक बोर्ड पड़ता है तो वो उस पर लिख देता है कि अलाइव इन लापतागंज, जो कि उसके होम टाउन उसके गांव का नाम था। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस सड़ेले घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे पास गांव में तो बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं, मैं तो उनमें रहूंगा। बस फिर क्या था, वो वहां के सबसे बड़े रईस इंसान के घर को अपने रहने के लिए चुनता है, जिस घर में वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांगता है, जिन पेंटिंग्स की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उनसे किसी भी स्टेट के 3 गांव खरीदे जा सकते थे, और तो और उन गांव में रहने वाले लोगों को भी खरीदा जा सकता था। बिरजू भड़वा इतना हरामी था कि वो इजिप्ट की रानी का ताबूत उठा लाया था, और तो और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया था, जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। आगे रात में वो अपने बेड पर होता है, जहां वो ऊपर वाले से दबाकर हाथ गाड़ी चलाने के लिए माफी मांगता है, जो वो पिछले 2 सालों से चला रहा है। अब बिरजू बहुत सातिर था, तो वो माफी मांगने के साथ साथ ऊपर वाले से एक लोंडिया की डिमांड भी करता है, ताकि उसका इस धरती पर गुजारा हो सके। आगे सुबह हो जाती है और उसको हगने की तलब लगती है, तो वो कमोड को फ्लश करके देखता है, पर उसमें पानी नहीं था, जिस पर वो अपना पिछवाड़ा धोने के लिए 20-20 लीटर की बिस्लेरी उठा लाता है। आगे अब उस रईस के बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो वो स्वैग में एक परचून की दुकान पर जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे गोली से उड़ा देता है और अपनी बंदूक को फिर से अपने कच्छे में टाक लेता है। देख रहे हो दोस्तों लोंडे को, पता नहीं हमें ऐसी लाइफ जीने का कब मौका मिलेगा। थानोस ने चुटकी तो बजाई थी, पर काम बना नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो सुसभ्य तरीके से सामान को ट्रॉली में डालेगा, पर नहीं, वो हर चीज को तहस नहस करता घूमता है और अपनी ट्रॉली को प्रोसेस फूड से भर देता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, जो कि थी ये नीली मैगजीन, जिनको वो ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में भरकर वहां से खिसक लेता है। आगे अब रात हो जाती है, जहां वो $10,000 की वाइन की बोतल खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो वाइन की एक घूट मारता है और ऊपर वाले से कहता है, देखो मैंने $400 की घूट मार ली। अगले दिन बिरजू अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामान को और मछलियों के टैंक को निस्तो नाबूद करता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इतना करने से भी उसको शांति नहीं मिलती, तो वो एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती गाड़ी से टकरवा कर विस्फोट करता है, और यही तो वो मजे हैं जो उसे चाहिए थे, क्योंकि वो बेचारा हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका था। अब एक आदमी कब तक हाथ गाड़ी चलाएगा यार। जो सब कुछ काफी महीनों तक चलता है, और हम देखते हैं कि अब इस घर की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, जो देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान नहीं कबाड़ी रहता है। दरअसल वो इस घर को साफ इसलिए नहीं करता था क्योंकि ये घर उसके बाप का नहीं था, जो वो इसमें झाड़ू पोछा मारेगा। आगे हम बाहर देखते हैं, जहाँ वो एक रबड़ के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही कष्टमय तरीके से बीत रहा था, जिसको जीने के लिए उसको दारू की जरूरत थी। तभी अचानक से उसको हगने की तलब लगती है, तो वो अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है, लेकिन सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए एक नया सिंहासन बनाने का निर्णय लेता है, जिस सिंहासन के लिए वो चुनता है इस स्विमिंग पूल को, जिसके फट्टे को वो बीच में से गोल काट देता है और वहीं हगने बैठ जाता है। आगे हगने के बाद वो एक बार में अपने दोस्तों से बात करने जाता है और उन सभी से पूछता है, क्या तुम थोड़ी थोड़ी पीना चाहोगे, पर उसके दोस्तों का जरा भी पीने का मूड नहीं था, तो वो कोई भी जवाब नहीं देते, जिस पर वो अकेला ही पीकर धूत होकर वहीं टेबल पर पड़ जाता है। जिसके बाद उसका नशा जब थोड़ा सा कम होता है, तो वो अपने एक दोस्त को कार में बैठाकर उसे कुछ दिखाने ले जाता है, जो कि है ये सामने खड़ा लड़की का पुतला, और अपने दोस्त से कहता है, देख भाई यार, मैं नहीं जानता इस लड़की का नाम क्या है, और गाड़ी से उतरकर उस पुतले से बात करने जाता है। कहता है, हेलो सहेली, मेरा नाम है बिरजू भड़वा और मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया हूँ,
मैं तुम पर काफी समय से नजर रखता आ रहा हूँ, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। और उस पुतले को उसकी इच्छा के विरुद्ध किस करने की कोशिश करता है, तभी उस पुतले का हाथ निकल जाता है तो उसका मन खट्टा हो जाता है, जिस खट्टे मन की वजह से अगले दिन वो एक पहाड़ के पत्थरों पर जाकर RIP लिखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपने जीवन की ये रेस हारने के लिए तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ के पत्थरों से क्रैश करने के लिए आगे बढ़ता है, और इससे पहले कि वो पत्थर से टकराकर अपनी जान देता, उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिस वजह से वो खींच के ब्रेक मारता है। जो अजीब सी चीज ये पहाड़ों के बीच से उठता हुआ धुआं है, जिसका मतलब ये था कि जरूर कोई इंसान जिंदा बचा है, जिस पर वो फटाफट उस धुएं की दिशा में आगे बढ़ता है, जहां उसे एक लड़की के होने के सबूत मिलते हैं, जो सबूत ये पिंक कलर की बरा है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता तो वो उस बरा को सूंघने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। आगे जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक खूबसूरत हसीना के पल्लू के नीचे पाता है, जो उससे कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो अपने असली वाले होश में आता है और देखता है कि एक लड़की उसको CPR दे रही है, और कमबख्त वो खूबसूरत तो बिल्कुल ही नहीं है, जिससे डरकर वो दूर हट जाता है और उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई। जिस पर वो बदसूरत लड़की, जिसका नाम लाइलाज बीमारी है, उससे कहती है तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्चे में मूत दिया था और मैं तुम्हें CPR दे रही थी। बिरजू गुस्से में कहता है मैंने अपने कच्चे में नहीं मूता, ये पहले से ही गीला था। जो बोलते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे डरकर लाइलाज बीमारी अपनी बंदूक निकाल लेती है और बिरजू से उसकी बरा नीचे गिराने के लिए कहती है, पूछती है क्या तुम अच्छे इंसान हो। वो कहता है हाँ, मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लाइलाज बीमारी पूछती है सड़क पर एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर तुमने ही लिखा था क्या अलाइव इन लापता गंज। बिरजू कहता है हाँ यार, मैंने ही वो साइन डाला था, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से इस मृत भूमि पर अकेला घूम रहा हूँ और तुमसे मिलने से 5 मिनट पहले मैं सुसाइड करने वाला था। जो सुनकर लाइलाज बीमारी को उस पर दया आ जाती है, तो वो दोनों समझौता कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही तो इस धरती पर अकेले जिंदा बचे थे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक बिरजू भड़वा नाम का शख्स इस पूरी धरती पर अकेला बचा है, जो देश विदेश घूमता है किसी इंसान या लड़की की तलाश में, और वहां से वो महंगी महंगी कीमती पेंटिंग्स चुरा लाता है। अब वो बेचारा पिछले 2 सालों से अकेला धक्के खाते घूम रहा था, पर उसको बचाने के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलती, तो वो मरने का निर्णय लेता है, जहां मरने से 5 मिनट पहले उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है लाइलाज बीमारी, और यहीं से हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पी रहे हैं और अपना बिरजू भड़वा वैसे तो सारे दिन ऊपर वाले से एक लड़की की डिमांड करता था, पर अब जब उसे कोई मिल गई है तो वो कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि उसने ऊपर वाले से इस कचरे की डिमांड नहीं की थी। आगे वो लाइलाज बीमारी को अपना घर दिखाने ले जाता है, जहां वो स्टॉप सिग्नल को बिना रुके ही क्रॉस कर देता है, तो वो कहती है स्टॉप साइन पर तुम्हें रुकना चाहिए, प्लीज अगली बार ऐसा मत करना। वो कहता है सुनो बीमारी, स्टॉप साइन का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जब ट्रैफिक ही नहीं बचा है तो स्टॉप साइन पर कार रोकने का क्या मतलब। तभी बीमारी को एक और स्टॉप साइन दिखता है, तो वो कहती है रुक जा साले, रुक जा, यहीं रुक जा, जिस पर बिरजू को रुकना पड़ता है और दोनों तरफ देखना पड़ता है कि कोई उल्लू का पट्टा आ तो नहीं रहा एक्सीडेंट करके उन्हें मारने के लिए। आगे घर पर वो उसे अपना टॉयलेट पूल दिखाता है, फिर कचरा पूल दिखाता है, फिर दारू वाला पूल दिखाता है, फिर वो उसे अपने घर के अंदर का हाल दिखाता है, जहां वो कचरे में पड़े हीरे को पहचान लेती है और पूछती है ये पेंटिंग्स तुम्हें कहां से मिली। वो बताता है इनको मैंने म्यूजियम वगैरह से चुराया है। तभी बीमारी को वहां 3 बड़े-बड़े किताबों के गट्ठर दिखते हैं, तो वो पूछती है ये सब क्या है। वो कहता है ये हाथ गाड़ी चलाने के लिए मेरी नीली मैगजीन है। जो सुनकर वो ओके करने लगती है और कहती है मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं बुक को उसके कवर से जज ना करूं, जो बुक तुम हो। जो बात अपने बिरजू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उस कचरे को जहां से उठा कर लाया था वहीं छोड़ देता है कि साली ना जाने किस टाइप की बीमारी है। आगे अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो कचरा फिर से वापस आ गया है और उसके घर का कचरा साफ कर रहा है।
जिस पर वो उससे कहता है, अगली बार जब भी तुम मेरा घर का कचरा उठाने आओ तो मुझे बता कर आना। जो सुनकर लाइलाज बीमारी को गुस्सा आ जाता है तो वो उस कचरे को फिर से वहीं फैला देती है। बिरजू उसको रोकता है तो वो उससे कहती है, हमें इस घर को साफ रखने के लिए क्लीनर लेने स्टोर जाना पड़ेगा। जहाँ बिरजू स्टोर के बाहर अपनी कार को हैंडीकैप पार्किंग में पार्क कर देता है तो वो उससे कहती है, बे बिरजू टट्टी, तूने ये हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में कार को क्यों पार्क किया है, इसे अभी की अभी यहाँ से हटाओ। जिस बात पर उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो कहता है, सुन बे बीमारी, यहाँ इस पूरी धरती पर हम सिर्फ दो इंसान बचे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई अपाहिज आदमी अपनी गाड़ी लेकर आएगा और मेरी बगल में लगाएगा। लाइलाज कहती है, जो भी हो ये हैंडीकैप लोगों की पार्किंग है तो यहाँ से अपनी कार हटाओ। बिरजू कहता है, तू पागल है क्या, ये पूरी दुनिया कार पार्किंग है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कार पार्क कर सकता हूँ, और तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो। जिसके अंदर वो अपनी कार को स्टोर के अंदर घुसा कर पार्क कर देता है। जो देखकर लाइलाज बीमारी को गुस्सा आ जाता है तो कहती है, क्या यही है तुम्हारे जीने का तरीका, तुम सारे कायदे कानून भूल चुके हो, तो क्या इसके बाद तुम चर्च को आग लगाओगे। वो कहता है, नहीं मैं चर्च को क्यों आग लगाऊंगा, वो चर्च है। लाइलाज कहती है, हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ, बाहर हैंडीकैप लोगों की पार्किंग है, उसके बाद नॉर्मल लोगों की पार्किंग है, जिस पर ना चाहते हुए भी उसे अपनी कार को नॉर्मल लोगों की पार्किंग में पार्क करना पड़ता है। आगे रात में वो अपने गम भुलाने के लिए अपने दोस्तों से बात करने जाता है और उनसे कहता है, मैं साला इस धरती पर लास्ट पर्सन ऑन अर्थ नहीं रहा, और जानते हो मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि साला मैं बहुत दिनों से किसी को बजाने के लिए तड़प रहा था, और दोस्तों मुझे जो लड़की मिली है ना, वो साली पागल है पागल, वो जब भी अपना मुंह खोलती है तो आग उगलती है आग। आगे सुबह जब वो ब्रश करके बियर से कुल्ला कर रहा था तब वो देखता है कि लाइलाज बीमारी अपनी पेटी पैक करके वहां रहने आ रही है, जिस पर वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, तुम जानती हो ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो क्या तुमको मेरे घर के बगल वाला ही घर मिला यहाँ रहने के लिए। वो पूछती है, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है, कहीं तुम्हें ये तो डर नहीं कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते हुए देख लूंगी। जिस पर वो अपना कच्चा उतार देता है और कहता है, ले देख ले, इसके अलावा देखने को कुछ बचा भी नहीं है। वो कहती है, ठीक है अब मैंने तुम्हारे सीक्रेट जान लिए हैं तो तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं तुम कब समझोगे कि हम दोनों को चुना गया है एक खास मकसद के लिए, जो कि है धरती पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ाना बेवकूफ। बिरजू भड़वा कहता है, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारे खड्डे से कभी भी पानी नहीं निकालूंगा, चाहे बेशक से तुम लास्ट वुमेन अर्थ ही क्यों ना बची हो। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसको टट्टी की तलब लगी थी। तभी बीमारी उसको हगते को डिस्टर्ब करने वहां पहुंच जाती है और कहती है, क्या तुम अंदर नहीं हग सकते। वो कहता है, नहीं क्योंकि बेवकूफ की बच्ची अंदर पानी नहीं है। बीमारी कहती है, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, मैं पानी के फव्वारों के नीचे नहाना चाहती हूँ और अपने गार्डन में पौधों को पानी देना चाहती हूँ ताकि हमारे बच्चों को फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाने को मिले। बिरजू कहता है, तू पागल हो गई है, मैं 464% श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगा। वो कहती है, ठीक है पर मुझे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल चाहिए, क्या तुम्हें वो सब नहीं चाहिए। बिरजू सड़ी सी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लाइलाज बीमारी अपनी पॉकेट से एक टमाटर निकालती है और उसको चिढ़ाते हुए खाती है, जिसको टमाटर खाता देख उसकी जल जाती है, तो वो 2 साल पुराने डब्बे में पैक टमाटर खाता है, लेकिन उसमें से उसको ऑर्गेनिक वाले मजे नहीं आते, तो वो रात को चुपके से बीमारी के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर रगड़ देता है। अगली सुबह लाइलाज उसके घर पर आती है, पूछती है, तो क्या तुम्हें टमाटर खाने में मजे आए, जिस पर वो उसे सफेद झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो, जबकि चोर की दाढ़ी में तिनका आप सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। बीमारी उसको एक आतंकवादी बोलकर लंगड़ाकर वहां से जाने लगती है, जिस पर बिरजू उससे पूछता है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ। वो बताती है कि धरती से पानी निकालते वक्त उसके पैर में चोट लग गई, जिस सबसे बिरजू भड़वा को बुरा लगता है, तो वो पानी का जुगाड़ करने जाता है, जिसमें जब वो पानी के वोल को खोलने की कोशिश करता है तब हमें पता चलता है कि कोई इतना भी निकम्मा हो सकता है। खैर कई घंटे सोचने के बाद अपनी बुद्धि का फुल प्रयोग करने के बाद वो निकम्मा उस पाइप पर लगे वोल को घुमाता है, जो कि बड़ी ही आसानी से घूम जाता है। अब एक समस्या गई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी है, जिसमें वो खच्चर उस 4 इंच के पाइप में आधा इंच का पाइप घुसेड़कर उस पर दबाकर टेप मार देता है, जिससे वही होता है जो होना था, आधा इंच का पाइप 4 इंच के पाइप के प्रेशर को नहीं झेल पाता। आगे वो सही तरीके से काम करता है, जिसमें वो पाइप साइज के हिसाब से पाइप लगाता है और काम बन जाता है। जो सब देखकर लाइलाज बीमारी खुश हो जाती है और उसको रात में डिनर के लिए
लिए इनवाइट करती है, जहां डिनर पर बिरजू भड़वा पत्ता गोभी के पत्ते गधे की तरह ठूस ठूस कर खा रहा था। बीमारी कहती है, तुमने मुझे अपना औजार दिखाया जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने हमें पक्का इस धरती पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलाया है। बिरजू कहता है, ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है तो मैं अपनी गोटियां धोकर आता हूँ, क्योंकि वो साला ये सब करने के लिए मरे जा रहा था। बीमारी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जब तक नहीं करने वाली, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, जो सुनकर वो हंसने लगता है। कहता है, तुमसे मिलने के बाद से अब तक का ये तुम्हारा पहला जोक था। वो कहती है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम सच में चाहते हो कि इस बंजर भूमि पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो? बिरजू पूछता है, क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम भला शादी क्यों करना चाहती हो जबकि उस चीज का कोई मतलब ही नहीं है? वो कहती है, हाँ, मेरे लिए मतलब है, सारी दुनिया खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रीति रिवाज भूल जाएं। अब अपने बिरजू भड़वा को उसकी किसी भी हाल में चाहिए थी, इसीलिए वो हाँ कर देता है, जिस पर वो कहती है, ठीक है, पर तुम मुझे अच्छे से तो कहो अपने घुटनों पर बैठकर। बिरजू गुस्से में अपने घुटनों पर बैठता है और उसे प्रपोज मारता है और लाइलाज बीमारी हाँ कर देती है, जिसके साथ ही इस एपिसोड की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, मैं तुमसे अपना खड्डा तब तक नहीं खुदवाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। ओके, ठीक है, विल यू मैरी मी? हाँ, मैं जरूर करना चाहूंगी। जिसकी हाँ से अपने बिरजू भड़वा को जरा भी खुशी नहीं मिलती, तो वो डिनर को आधे में ही छोड़कर घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे लाइलाज बीमारी उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर सजाते हुए कहती है, तुम जानते हो अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है और इस पूरी धरती पर सिर्फ हम दो इंसान बचे हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि किसी को तो इस देश की कमान अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। अब अपना बिरजू भड़वा, जो उसकी शक्ल देख देख कर पक चुका था, कहता है, ठीक है, तुम बन गई अमेरिका की राष्ट्रपति, अब खुश? वो कहती है, नहीं, मैं नहीं बनना चाहती क्योंकि मुझे लोगों के बीच में भाषण देना नहीं आता। बिरजू कहता है, ठीक है, फिर मैं बन गया अमेरिका का राष्ट्रपति। वो कहती है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें वोट करनी होगी, जिसमें बिरजू खुद को वोट देता है और बीमारी भी उसी को वोट देती है, जिससे वो दो वोटों से जीत जाता है और बन जाता है अमेरिका का नया राष्ट्रपति। जिसके बाद बीमारी राष्ट्रपति साहब को एक वॉकी टोकी देती है ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाए, और तो और वो वहाँ से जाते वक्त उससे ये कह जाती है कि शादी की अंगूठी लाना मत भूलना। अगले दिन लाइलाज बीमारी स्टोर से कुछ सामान लेने जाती है अपनी शादी की साजो सजावट के लिए। वहीं दूसरी तरफ अपना बिरजू बैचलर पार्टी इंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर का पहाड़ बनाकर उसमें आग लगा देता है। फिर वो बहुत सारे पॉपकॉर्न को आग में भूनता है और सड़े सड़े कपड़े पहनकर चर्च पहुँचता है, जहाँ लाइलाज बीमारी ने चर्च को बहुत अच्छे से सजा रखा था और खुद भी वो अच्छे से तैयार होकर आई थी दुल्हन के कपड़ों में। अब पादरी तो था नहीं, तो वो रिकॉर्डेड मंत्रों का उच्चारण लगा देती है, जिसमें जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो बिरजू के पास रिंग थी ही नहीं, क्योंकि वो बेवकूफ रिंग चुरा कर लाना भूल गया था। दरअसल वो इस शादी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, चाहे बेशक से वो इस दुनिया की आखिरी लड़की ही क्यों ना थी। अब रिंग भूल जाने वाली बात से लाइलाज बीमारी गुस्से में वहां से चली जाती है, जहां हम बाहर देखते हैं कि उस बेवकूफ की बच्ची ने अपनी कार को भी सजा रखा था, जिसके पीछे पीछे बिरजू उसके घर पहुंचता है और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, और जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो बीमारी के दरवाजे को तोड़ डालता है, क्योंकि ये घर उसके बाप का नहीं था। जहां घर के अंदर वो देखता है कि लाइलाज बीमारी, जो शादी से बहुत एक्साइटेड थी, उसने पूरे घर को अच्छे से सजा रखा था और तो और उसने हरी सब्जियों का एक केक भी बना रखा था, जिसके ऊपर उसने दो गुड्डे गुड़िया रख रखे थे और तो और उनको एक दूसरे की सेप दे रखी थी। जिसके बाद वो लाइलाज बीमारी को देखता है, जो कि मोमबत्तियों के बीच बैठकर एक तकिए को सजा रही थी। बिरजू उससे दिल से माफी मांगता है उसकी बेवकूफियों के लिए और कहता है, मैं सचमुच भूल गया था, अगर मुझे जरा भी याद होता तो मैं चर्च में अच्छे से तैयार होकर आता। जिन सब बहानों को वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसे माफ कर देती है, और रात में वो दोनों अंगूठी लेने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां से वो बहुत सारी अंगूठी चुरा लेते हैं,
जिनको एक एक करके बिरजू उसे पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। अब शादी हो गई थी तो सुहागरात तो पक्की है, पर बिरजू का उसके साथ करने का जरा भी मन नहीं था क्योंकि वो अंदर बाहर करने से ज्यादा बातें करती थी। जबकि बिरजू पिछले 2 साल से यही सोचता आ रहा था कि उसको अगर किसी की मिल जाए तो वो उसकी फाड़ कर रख देगा, पर नहीं, यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा था। अगले दिन लाइलाज बीमारी अपने हस्बैंड के साथ वो सारे काम करती है जो करने में उसके हस्बैंड बिरजू को बहुत मजे आते थे। जिस सब के बाद वो लाइलाज बीमारी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाता है, जो उसकी बातों का जवाब नहीं देती तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। आगे फुल तोड़फोड़ मचाकर वो दोनों अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजीन से टकरा जाती है। बिरजू फटाफट अपनी कार से उतरकर लिमोजीन की तरफ दौड़ता है ये देखने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं लगी। जिस लिमो में से एक चिंकी बजवाले नाम की खूबसूरत लड़की उतरती है, जिसे देखकर अपने बिरजू के तो होश ही उड़ जाते हैं कि यार ये क्या गजब की चीज है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, बिरजू भड़वे की कार एक लिमोजीन से टकरा जाती है जिसमें से एक चिंकी बजवाले नाम की खूबसूरत लड़की उतरती है, जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो नई लड़की और अपना बिरजू कार की तरफ दौड़ते हैं कि कहीं बीमारी को कोई चोट तो नहीं लगी, जो उस नई लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसको कार से निकालने के बाद वो कार से दूर हट जाते हैं और कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों को चिंकी बजवाले की कार से अपने घर जाना पड़ता है, जहां कार में बिरजू उसे घूरे जा रहा था और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी हर छोटी छोटी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। चिंकी कहती है, मैं यहां एक बोर्ड पर अलाइव इन लापता गंज पढ़कर 2 हफ्ते पहले यहां पहुंची थी किसी जिंदा इंसान की तलाश में, पर मुझे कुत्ते का गू भी नहीं मिला। जो सुनकर बिरजू के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो यहां लाइलाज बीमारी से पहले पहुंची थी, पर उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो उससे नहीं मिल पाया और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, मुझे उस बोर्ड के नीचे अपना एड्रेस भी लिखना चाहिए था ताकि चिंकी बजवाले उसे पहले मिलती और उसे लाइलाज बीमारी से शादी नहीं करनी पड़ती। इतने में बीमारी चिंकी को बता देती है कि हमने 1 हफ्ते पहले ही शादी कर ली, जो सुनकर वो चौंक जाती है कि यार तुम लोग तो बहुत फास्ट निकले। अब ये शादी वाली बात बिरजू को जरा भी पसंद नहीं आती और इससे पहले कि बीमारी उसको कुछ और बताती वो बीच वाली खिड़की को बंद कर देता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं जहां चिंकी उसके घर पर महंगी महंगी पेंटिंग्स देखती है तो कहती है, वाह सच में बहुत कमाल की पेंटिंग्स है। तभी बीमारी फिर से मैदान में कूद पड़ती है, कहती है ये सारी पेंटिंग्स बिरजू ने चुराई है, उसकी है नहीं। चिंकी कहती है, चोरी किस बात की जब इस पूरी धरती पर हम सिर्फ 3 ही बचे हैं तो, और कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। बिरजू कहता है, तो तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आराम कर लेती, हम दोनों एक साथ बैठकर खूब बातें करेंगे और खूब मजे करेंगे। तभी लाइलाज बीमारी कहती है, मैं तो इसके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती क्योंकि बिरजू इस घर के पूल को हगने के लिए यूज करता है। वो बीमारी से कहता है, यार ये अभी तो आई है, ये सब बताना उसको ठीक नहीं। बीमारी कहती है, पर तुमने तो सबसे पहले मुझको अपना टॉयलेट पूल ही दिखाया था। चिंकी कहती है, ठीक है मैं उस पूल में नहीं जाऊंगी और अपने लिए एक नया घर ढूंढने का निर्णय लेती है, जिस पर वो दोनों उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और चिंकी हाँ कर देती है। तभी लाइलाज उसे गले से लगा लेती है और बिरजू जो कोई भी मौका नहीं ने देना चाहता था मैदान में कूद पड़ता है और जबरदस्ती पीछे से चिपकने लगता है। शाम के टाइम जब डिनर की तैयारियां की जा रही थी तभी बिरजू वहां अपनी दाढ़ी सफाचट करके उनके सामने आता है, जो देखकर लाइलाज बीमारी चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तब तो उसने अपनी दाढ़ी नहीं काटी थी और अब बिना बात को ही उड़ा दी। दरअसल वो चिंकी बजवाले को बजाने की हर नामुमकिन कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। आगे वो तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं जहां बिरजू चिंकी को जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि उसने ये अनमोल रतन कैसे जाने दिया। जिसके बाद वो उससे उसका लास्ट नेम पूछता है और उसकी दबा कर तारीफे करता है। फिर वो उससे उसका शहर का नाम पूछता है तो फिर से दबा कर तारीफे करता है, और तो और वो उसकी सारी बातों को हाँ करता है, जैसे कि उसकी फेवरेट मूवी भी इसकी फेवरेट है, उसकी फेवरेट कार इसकी भी फेवरेट है, उसका फेवरेट फूड इसका भी फेवरेट है, और ना जाने क्या क्या, ताकि चिंकी को लगे कि उन दोनों के बीच में कोई
रूहानी कनेक्शन है। आगे डिनर खत्म होने के बाद बीमारी बिरजू को उसके खेत में मजदूरी करने के लिए बुलाती है। अब बिरजू, जिसका उसके खेत में मजदूरी करने का जरा भी मन नहीं था, वो बहाना लगा देता है कि उसके पेट में दर्द है। लाइलाज पूछती है, तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम चिंकी बजवाले से आकर्षित तो नहीं हो ना? वो कहता है, सच बताऊं तो नहीं, जो बोलकर वो सोने चला जाता है। तभी आधी रात में उसके बेडरूम में चिंकी बजवाले अपनी बजवाने आती है, जिसको देखकर वो लार टपकते कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे जाता है, जहां कमोड पर बैठी हुई उसे बीमारी दिखती है, जिसे देखकर उसकी नींद उड़ जाती है। अगली सुबह चिंकी बिरजू से मिलने आती है, जहां वो देखती है कि बिरजू भड़वा एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। दरअसल वो चिंकी को अपनी बॉडी दिखाकर पटाना चाहता था, इसलिए वो ये काले कांड कर रहा था। चिंकी कहती है, क्या तुम मेरे साथ एक बार बाहर तक चलोगे? जहां हम एक कार देखते हैं जिस पर गिफ्ट वाला रिबन लगा हुआ था। चिंकी पूछती है, ये सब क्या है? वो कहता है, ये मेरी गलती का तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजीन को जो टक्कर मार दी थी। वो कहती है, नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी बीमारी जोर जोर से चिल्लाकर उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है, क्या तुमने चिंकी को एक नई कार गिफ्ट की है? वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमो को जो टक्कर मार दी थी। बीमारी पूछती है, भड़वे साले, तेरे पास अब ये सब करने का टाइम कहाँ से आ गया? जबकि मैं तुझे 100 बार बोल चुकी हूँ कि मेरा दरवाजा ठीक कर दे, उसके लिए तो तेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है, देख यार, ये दरवाजा टूट चुका है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना तुम अपने लिए एक नया घर ढूंढ लो। बीमारी कहती है, कोई चीज टूट गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे उठाकर कचरे में फेंक दे। मुझे नहीं पता तुम मेरा दरवाजा ठीक करोगे कैसे भी। आगे बीमारी चिंकी को अपनी शादी की फोटो दिखाती है, जो उसने खुद ड्रॉ की थी। चिंकी पूछती है, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम दोनों एक साथ एक ही घर में क्यों नहीं रहते? वो कहती है, नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो गंदा है। मैंने बस उससे शादी इस धरती पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए की, ताकि हमसे पैदा होने वाले बच्चे नाजायज ना कहलाएं। वहीं बिरजू जब दरवाजा ठीक कर रहा होता है, तभी चिंकी उसके पास आती है, जिसे देखकर वो साला एक्सपर्ट होने का दिखावा करता है और हैमर को अपने ही हाथ पर दे मारता है, और ऐसे दिखाता है कि उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। चिंकी कहती है, मेरे पास एक जनरेटर है, जिससे हम बियर ठंडी करके पी सकते हैं, तो शाम को बीमारी को लेकर मेरे घर आ जाना। लेकिन वो साला अकेले ही ठंडी ठंडी बियर पीने चला जाता है और उससे कहता है कि लाइलाज बीमारी की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती। जबकि इस साले ने बीमारी को बताया ही नहीं कि चिंकी ने दोनों को बियर पीने के लिए इनवाइट किया है। जिस बात को छुपाने के लिए वो चिंकी से कहता है, तुम उसको मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ बियर पीने आया हूं, क्योंकि उसको बुरा लगेगा कि मैं उसका बीमारी के समय में साथ ना देकर यहाँ ठंडी बियर पी रहा हूँ। चिंकी कहती है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, और कहती है, जब मैं तुम दोनों से मिली थी, तब मुझे बीमारी देखते ही पसंद आ गई थी, पर तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक अलग ही टाइप की फ्रॉड वाली फीलिंग आ रही थी। पर जब तुमने अपनी सिचुएशन के बारे में मुझे बताया कि तुम 2 सालों से अकेले घूम रहे थे और मरने की तैयारी कर रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। I am sorry। जो सारी बातें करते वक्त वो दबाकर बियर पिए जा रहे थे, तो उन्हें चढ़ जाती है, जिस पर चिंकी बजवाले कहती है, मैं पिछले 2 साल से किसी मर्द की तलाश में घूम रही हूँ, जिसको मैं ये बता सकूँ कि मैं अंदर से भूखी हूँ, मुझे सच में जरूरत है कि कोई मुझे किस करे और मेरी लपेट लपेट कर मारे। बिरजू कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, ये सब नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, क्योंकि तुम बीमारी के साथ हो। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है, पर एटलीस्ट तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो हो, जिस सबकी मैं इज्जत करती हूँ। जो सब सुनकर बिरजू उसे बताना चाहता था कि वो बीमारी से जरा भी खुश नहीं है, उसे तो बस तेरी जैसी होट माल की तलाश थी, और उसे मिला क्या, कचरा। कहती है, मेरी किस्मत तो देखो कितनी खराब है, मुझे धरती पर मौजूद एक आखिरी मर्द मिला, पर वो भी शादीशुदा। बिरजू कहता है, पर अब वो आखिरी मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा, और एक छोटी सी बात करने बोले तो अपनी शादी तोड़ने के लिए वो लाइलाज बीमारी को 3 बार तलाक बोलने जाता है, लेकिन वो उससे नहीं कह पाता, क्योंकि वो उन दोनों की फोटो से एक दरवाजे पर टांगने वाला दिल बना रही थी, जो देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दे। जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा
चिंकी बजवाले बिरजू को अपने दिल की फीलिंग बताती है, जो सुनकर वो बीमारी को 3 बार तलाक बोलने जाता है पर वो नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम एक ODR8 को देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि एक इंसान और है जो इस धरती पर जिंदा बचा है। जो इंसान अपने बिरजू का बोर्ड पर लिखा हुआ अलाइव इन लापता गंज पढ़ता है और उस तरफ निकल पड़ता है। रात के टाइम वो तीनों जो अपने आप को इस धरती के आखिरी बचे इंसान सोच रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बीमारी चिंकी बजवाले को बताती है कि बिरजू ने उससे शादी से पहले कहा था कि अगर वो धरती पर आखिरी बची फीमेल भी हुई ना, तो भी वो उसके खेत में अपना ट्रैक्टर नहीं चलाएगा। जिसके 2 दिन बाद ना जाने क्या हुआ कि सब बदल गया और हम दोनों ने शादी कर ली जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है तो बीमारी और बोतल लेने जाती है। तभी बिरजू चिंकी से कहता है, तो क्या प्लान है तुम्हारा उस बारे में जो तुमने कहा था कि तुम अंदर से भूखी हो, किसी को अपनी देना चाहती हो। चिंकी कहती है, मैं उन बातों के लिए शर्मिंदा हूँ, मैंने वो सब नशे में कहा था, और कहीं तुमने वो वाली बात लाइलाज बीमारी को तो नहीं बता दी। वो कहता है, टेंशन नोट, हम दोनों के सीक्रेट हम दोनों तक ही रहेंगे। चिंकी कहती है, हाँ इसीलिए ही तो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, क्योंकि तुम सीक्रेट को संभाल कर रख सकते हो और तुम्हें अपनी शादीशुदा लाइफ की बहुत परवाह है। जो सुनकर उसको बुरा लगता है कि यार मैं तो इस पर लट्टू हुआ जा रहा हूँ और ये मुझे जबरदस्ती उसके साथ चिपकाई जा रही है। तब तक लाइलाज बीमारी ड्रिंक्स लेकर वापस आ जाती है और चिंकी से कहती है, हमें अब जाना होगा खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए, क्योंकि धरती पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है हम पर। जहाँ घर पर बिरजू को वो बात बुरी लगी थी तो वो उससे कहता है, तुम्हें ये बात चिंकी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी। लाइलाज बीमारी जो उसकी एक नहीं सुनती, वहीं बेड पर लेट जाती है, कहती है, चलो खुदाई शुरू करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं बिरजू अपने दोस्तों से बात कर रहा है कि यार मैं सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, पर ये काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों फीमेल को प्रेग्नेंट कर दूं तो। जिस पर उसके दोस्त उसको कोई सलाह नहीं देते कि साले तेरे मन में जो आए वो कर, हमें मत पका बस। आगे वो अपने इस प्लान को लेकर सीधा चिंकी बजवाले के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। वो कहती है, हाँ इंसानों की पॉपुलेशन तो जरूर बढ़नी चाहिए। जिस बात को वो गलत ही दिशा में ले जाता है, जो उसको एक इशारा लगती है तो वो खुशी से उछलता हुआ बीमारी के पास पहुँचता है, जिसको वो एक्टिंग करते हुए बताता है कि उसके मन में आज एक गंदा सा ख्याल आया, जिस ख्याल ने उसको अंदर से झकझोर दिया कि उसे धरती पर लोगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए चिंकी बजवाले को भी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। जो सब वो उसको ऐसे बता रहा था कि उसका चिंकी के साथ खुदाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बस वो इंसानियत के नाते ये करना चाहता है। जिसका ये घटिया सा प्लान सुनकर बीमारी समझ जाती है कि वो चिंकी की बजाना चाहता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। इसीलिए वो उसको साफ साफ इनकार कर देती है कि वो उसे चिंकी के साथ नहीं देखना चाहती। जिस पर उसको पटाने के लिए वो अपना मिंटोस वाला दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, पर क्या तुम अपने ही बच्चों को उस सिचुएशन में डालना चाहती हो जिसमें वो भाई बहन आपस में ही खुदाई करें और पॉपुलेशन बढ़ाए? उस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगी? वो नाजायज नहीं कहलाएगा क्या? अब ये वाली बात बीमारी के दिमाग में क्लिक कर जाती है, इसीलिए वो उससे कुछ सोचने का समय मांगती है। बिरजू कहता है, हाँ तुम जरा सोचना इस बारे में कि हमारे बच्चे आपस में ही चोंच मारे या फिर चिंकी के बच्चों के साथ चोंच मारे। अब चिंकी का नाम सुनते ही बीमारी की बत्ती जल जाती है तो वो पूछती है, क्या तुमने इस बारे में पहले ही उससे बात कर ली? वो कहता है, नहीं यार मैं उससे बात क्यों करूंगा, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ओपन माइंडेड लड़की है, वो सच में बदलाव चाहती है और किसी का भी अंदर घुसवाना चाहती है। बीमारी कहती है, क्या बक रहे हो तुम? तभी बिरजू अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए कहता है, अरे यार वो तो नेचुरल है ना किसी का भी अंदर डलवाना या डालना। तुम जानती हो मैं इस दुनिया के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तू साले कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहा है साले भड़वे, तुझे तो बस उसकी किसी न किसी बहाने से चाहिए, तो चल साले निकल अब मेरे घर से। और उसे धक्के मार के घर से निकाल देती है, जिसके बाद बीमारी बिरजू की सारी बातें चिंकी को बता देती है। जो सब सुनकर वो बिरजू के पास जाती है और कहती है, साले बेवकूफ तूने बीमारी को क्या क्या बताया? वो कहता है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया। चिंकी कहती है, नहीं तुमने उसको सब कुछ बता दिया कि मैं तुम्हारे घोड़े से अपना खेत जुतवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुमको उसी दिन बता दिया था कि मैं नशे
की हालत में थी मेरे मुंह से निकल गया था। और जानते हो, उसने मुझसे ये कहा कि मैं उसके हस्बैंड बोले तो तुझको उससे छीनना चाहती हूँ। वो एक्टिंग करते हुए कहता है, एक मिनट रुको, जरा मुझे सोचने दो कि मैंने उसे क्या क्या बताया। जिस पर चिंकी कहती है, अबे साले तू तो सचमुच बहुत बड़ा टोपा निकला, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आगे रात में वो सारा तामझाम सेट करके उन दोनों को पटाने की बहुत कोशिश करता है कि यारो मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं आखिरी मर्द हूँ जो इस धरती पर बचा है। लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती और जब वो लगातार 4-5 घंटे माफी मांगता है तो वो दोनों उसे मिलने के लिए बुलाती है। बीमारी कहती है, हम दोनों ने उस बारे में बहुत सोचा और हमने तय किया कि हमें इस धरती का उद्धार करने के लिए जनसंख्या बढ़ानी ही होगी, इसीलिए तुम्हें चिंकी को भी बजाना होगा। जो सुनकर उसको सदमा सा लगता है, कहता है, यार तुम मेरे साथ चाल चल रहे हो ना, ताकि ये जान सको कि मैं क्या सोचता हूँ। लाइलाज बीमारी कहती है, नहीं, हमने बहुत दिमाग दौड़ाया और हम नहीं चाहते कि मेरे और तुम्हारे बच्चे आपस में ही खुदाई करें, जबकि अच्छा तो यही रहेगा कि मेरे और तुम्हारे बच्चे चिंकी के बच्चों के साथ खुदाई करें, ताकि नाजायज नाम के शब्द को हम अपनी सभ्यता से निकाल सके। बिरजू, जिसको बहुत जल्दी थी, कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं तैयार हूँ, चलो करते हैं। बीमारी कहती है, रुक जा बे साले, रुक जा बेवकूफ, हमने एक रूल भी बनाया है जिसके अंदर पूरे महीने में सिर्फ तुम्हें चिंकी की बजाने को 3 बार मिलेगी, जिसमें तुझे इसके साथ करने में मजे नहीं आने चाहिए, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम्हारा इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे सारे रूल अच्छे से समझ गया और सच बताऊं तो मैं इन रूल की इज्जत करूंगा, ये सारा काम मेरे लिए एक जॉब से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और दौड़ते हुए अपने घर जाता है, जहां वो तकिए के पीछे जोर जोर से चिल्लाता है कि वाह मजे आ गए, मजे आ गए। अगली सुबह लाइलाज बीमारी बिरजू के घर आती है और उसे ड्राई फ्रूट देते हुए कहती है, इनको खाकर जाना ताकि तुम्हारा माल गाढ़ा निकले और वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, और याद रखना कि तुम ये सब सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हो। जिसके बाद हम रात के समय देखते हैं कि वो चिंकी बजवाले को एक सुनसान सी जगह ले जाता है, जहां उसने खुले आसमान के नीचे एक बेड को बहुत अच्छा सजा रखा था, और तो और वो उसे खाने के लिए डार्क चॉकलेट देता है ताकि चिंकी का जोश चरम सीमा पर पहुंच जाए। अब चिंकी को भी 2 साल हो गए थे खुदाई करवाए, तो वो उसे सीधा किस करने लगती है, जिसमें वो उसको अपने से दूर हटाते हुए कहता है, आज की रात बहुत स्पेशल है, जिसमें वो उसके लिए गिटार बजाता है और आतिशबाजी करता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस इस एपिसोड की शुरुआत में इस शहर की तरफ बढ़ रही ODR8 आतिशबाजी की तरफ आने लगती है, जहां बिरजू चिंकी को बजाने की तैयारी कर रहा था। तभी वो कार उन दोनों की दमादम पार्टी के बीच पहुंच जाती है, जिसमें से ये जगदीश भगत नाम का मोटा गैंडा उतरता है, जिसको देखकर उन दोनों के तीतर उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, बिरजू भड़वा चिंकी को बजाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां कार लेकर जगदीश भगत नाम का मोटा गैंडा पहुंचता है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब बिरजू अकेला मर्द नहीं बचा था इस पूरी धरती पर औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए, एक और भी था। अब जगदीश भगत ने पिछले 2 सालों से कोई इंसान नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है, कहता है, दोस्तों मैं इस शहर को पार कर ही चुका था, तभी मैंने आतिशबाजी देखी और मैंने अपनी गाड़ी इधर घुमा, जिसे देखकर बिरजू भड़वा चिढ़ा हुआ था तो उससे कहता है, अगर तुम यहाँ रास्ता पूछने आए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। जगदीश भगत कहता है, मैं माफी चाहूंगा, मैंने तुम दोनों को गलती से डिस्टर्ब कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी चिंकी बजवाले बोलती है, अरे नहीं कोई बात नहीं, हम वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे थे। बिरजू चिंकी को साइड में ले जाकर कहता है, तुम ये क्या बक रही हो, हमें दुनिया को बचाना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है। चिंकी पूछती है, तुम सच में गधे हो क्या, अब हमारे पास एक और आदमी है उस काम को करने के लिए। आगे ये सारी बातें जाकर वो लाइलाज बीमारी को बताता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि धरती पर हमें एक और इंसान मिल गया, चिंकी अब उससे अपनी बजवा लेगी और तुम्हें अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना पड़ेगा। बिरजू कहता है, नहीं, तुम्हें जगदीश भगत को एक बार देखना चाहिए, वो बहुत मोटा है, चिंकी कभी भी उसको अपनी नहीं देगी और तुम जबरदस्ती उससे ऐसा करवा नहीं सकती। बीमारी कहती है, ठीक है, पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद सभी लोग बाहर एक साथ बैठे होते हैं, जहां जगदीश उन्हें बताता है कि वो यहां एक बोर्ड पर लिखा हुआ लाइव इन लापता गंज पढ़कर आया है, और उन्हें ये भी बताता है कि उसकी फेवरेट मूवी शोशंक है। चिंकी कहती है, अरे वाह,
क्या बात कर रहे हो यार, वो मूवी तो मेरी भी फेवरेट है। तभी बिरजू भड़वा भी मैदान में कूद पड़ता है, कहता है वो मूवी मेरी भी फेवरेट है, जबकि इसने वो मूवी देखी भी नहीं है। दरअसल वो झूठ इसलिए बोल रहा था ताकि चिंकी जगदीश भगत से अट्रैक्ट ना हो जाए। तभी लाइलाज बीमारी कहती है, बिरजू तुम्हारी तो फेवरेट मूवी गॉडफादर है ना। वो कहता है, क्या यार तुम नशे में हो क्या, गॉडफादर बिल्कुल बकवास मूवी थी, मुझे शोशंक मूवी ज्यादा पसंद है। टॉम हैंक्स ने सच में क्या कमाल का काम किया है उस मूवी में, जबकि उस मूवी में टॉम हैंक्स तो था ही नहीं। अब टॉम हैंक्स का नाम सुनकर चिंकी उससे पूछती है, तो बताओ तुम्हें शोशंक मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। जिस पर वो बहाने लगाते हुए कहता है, उसमें तो बहुत सारे पार्ट मेरे फेवरेट थे, मुझे जरा सोचने दो। तभी लाइलाज बीमारी कहती है, बे साले तूने कभी वो मूवी देखी भी नहीं। जगदीश भगत कहता है, मेरे दोस्त तेरे को वो मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्या गजब की मूवी है। जिस पर बिरजू उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, अच्छा वैसे दोस्त तेरा वजन कितना है, 200 या 300 किलो। जिस सवाल का जवाब जगदीश भगत बिल्कुल निडर होकर बिना शरमाए सभी को देता है कि उसका वजन 150 किलो है, और बताता है कि मेरा वजन बचपन से ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, जिस वजह से मैं ज्यादा खाना खाने लगा था, और आज पहली बार तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, स्कूल में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जो सारी बातें सुनकर किसी को भी जगदीश भगत बुरा नहीं लगता, बल्कि उन सभी को उसके लिए हमदर्दी हो जाती है, जिसमें चिंकी उसको हमदर्दी देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, अब वो सारे बच्चे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब मर चुके हैं। जगदीश भगत कहता है, थैंक यू, पर मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे सोना चाहिए। जिसके जाने के बाद बिरजू उन दोनों से सिंपथी पाने के लिए कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को कभी बताया कि मैं भी स्कूल में मोटा हुआ करता था, सभी लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन चिंकी को उसकी बातों पर झाट भर भी यकीन नहीं था, तो वो भी सोने चली जाती है, और वो बेचारा फंस जाता है लाइलाज बीमारी के साथ। अगले दिन लाइलाज बीमारी एक प्लान बनाती है, जिसमें वो जगदीश भगत का टाका चिंकी से भिड़वाने के लिए उन्हें बाहर घूमने चलने के लिए कहती है, और खुद बहाना लगा देती है कि वो नहीं जा सकती, तुम दोनों चले जाओ, उसकी तबीयत खराब है। बिरजू कहता है, ठीक है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बीमारी कहती है, भला तुम कैसे पति हो, अपनी बीमार पत्नी को यहाँ छोड़कर जाओगे। जिस वजह से ना चाहते हुए भी बिरजू को उसके साथ रुकना पड़ता है, और वो दोनों घूमने चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं, और बिरजू भड़वा जिसकी जली पड़ी थी उन दोनों पर नजर रखता है। आगे वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें टोफिया चूसकर उनका स्वाद बताना था बिना देखे। जो सब कुछ बिरजू भी वहीं छुपकर देख रहा था, कह रहा था कि प्लीज चिंकी इस मोटे के प्यार में मत पड़ना, पर लेकिन प्यार की शुरुआत तो हो चुकी थी। बिरजू जाकर बीमारी से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि वो उन दोनों को फिर से अकेले बाहर भेजने वाली है, जिस बात के वो सख्त खिलाफ था। तो कहता है, तुम ये सब करना बंद करोगी, क्योंकि तुम गलत कर रही हो। बीमारी कहती है, नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ उन्हें फिर से बाहर जाना चाहिए, बल्कि चिंकी ने ही जगदीश भगत से पूछा था। जो सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं कि चिंकी तो उसके हाथ से गई। कहता है, तो हमें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से सही चल रहा है या नहीं। जो सुनकर बीमारी उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाती है, जहां बिरजू फिर से जगदीश का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चलो ना कपड़े उतार कर टेनिस खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अब जगदीश फिर से वही बिना शरमाए बिना सोचे कपड़े उतार देता है, और बिरजू चिंकी की शक्ल देखता है कि उसे जगदीश का शरीर गंदा लगा कि नहीं, पर पूरा का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। चिंकी पूछती है, जगदीश भगत तुम्हारे पेट पर ये कट का निशान कैसा है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो कहता है, मैंने किडनी डोनेट की थी अपने सोतेले भाई को, लेकिन उसके शरीर को वो किडनी रास नहीं आई तो वो मर गया। जो बोलकर वो भावुक हो जाता है और एक कोने में रोने चला जाता है, जिसके पीछे पीछे चिंकी भी जाती है। अब बिरजू, जिसको हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत थी, तो वो भी जाकर देखता है कि चिंकी जगदीश भगत को चुप कराने के बहाने उसे चूसने में लगी है। तभी लाइलाज बीमारी भी वहां आ जाती है, कहती है, बिरजू तुम कैसे जानते थे कि जगदीश ने अपने भाई को किडनी डोनेट की है, सचमुच तुमने बहुत कमाल का काम किया है उन दोनों को मिलवाकर। वो कहता है, मैं नहीं जानता था, बस मेरी किस्मत खराब थी। आधी रात में बिरजू चिंकी के घर जाता है, उसे जगदीश के खिलाफ भड़काने के लिए कहता है, तुम जानती हो बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त मोटे हुआ करते थे, जिनमें से एक तो 225 किलो का था। तो फैक्ट की बात यह है कि मोटे लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं होते, देख लेना एक दिन वो तुम्हारा भरोसा जरूर तोड़ देगा। जो सुनकर वो कहती है, साले मुझे पता है तू कितना बड़ा गंध है, और दरवाजा उसके मुंह पर मार देती है। लेकिन वो गधे का बच्चा फिर भी वहीं खड़ा रहता है, दरवाजा खटखटाता रहता है, कहता है, मुझसे गलती हो गई, सचमुच जगदीश भगत एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, ये शायद इस वजह से है कि मैं पिछले 2 सालों से अकेला
घूमता रहा और फुटबॉल और बास्केटबॉल से बात करता रहा। जो सुनकर वो दरवाजा खोलती है, कहती है, तुम सच में फुटबॉल से बात करते हो क्या? क्योंकि उसे लग रहा था कि ये साला फिर से कोई गेम खेल रहा है मुझे पटाने के लिए, पर ऐसा नहीं था। वो उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है, जिनसे वो हाय बोलती है और पूछती है, तो अब सच बताओ कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी थी, और हाँ, बेवकूफ मत बनाना। बिरजू कहता है, गॉडफादर मेरी फेवरेट मूवी है। चिंकी पूछती है, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला था कि शोशंक तुम्हारी फेवरेट मूवी है? बिरजू कहता है, मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों हूँ। वो कहती है, अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मेरे साथ ईमानदारी दिखाया करो। बिरजू कहता है, सच बताऊं तो तुम वो लड़की हो जिसका मुझे इंतजार था। ऊपर वाले से मैं सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड करता था और मुझे मिला क्या? कचरा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या मेरा कोई चांस है? चिंकी उसे साफ मना कर देती है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जिस पर बिरजू थोड़ा सा सोचता है और बातें घुमाते हुए कहता है, ये लाइनें तो मैं लाइलाज बीमारी के लिए सोच रहा था, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी ये लाइनें? चिंकी कहती है, बिल्कुल परफेक्ट थी। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ऊपर वाले से सिर्फ तुम्हारी ही मांग की थी, तो क्या कोई चांस है मेरा? नहीं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अरे यार, ये लाइनें तो मैंने लाइलाज बीमारी के लिए लिखी थी, तो कैसी लगी तुम्हें ये लाइनें? हाँ, ये सचमुच कमाल की हैं। अगले दिन जब बिरजू भड़वा अपने पूल में टट्टी कर रहा था, तभी वहाँ बीमारी पहुँचती है और कहती है, तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पूल की बदबू से पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जिस पर बिरजू अपने पूल को साफ करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसको यहीं पर टट्टी करने में मजे आते थे। आगे वो जगदीश भगत से मिलने जाता है, जहाँ वो बाहर बैठकर प्रकृति के मजे ले रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। बिरजू उससे पूछता है, कल यार चिंकी के घर से पूरी रात गाने बजने की आवाजें आ रही थी, तो क्या बता सकते हो तुम क्या चल रहा था वहाँ? जगदीश उसको शुरू में तो बताने से मना करता है, लेकिन बिरजू जब उससे बार बार पूछता है तो वो उसे बता देता है कि उसने चिंकी की कल पूरी रात बजाई, जो सुनकर बिरजू को बहुत बुरा लगता है, पर वो ऐसे दिखाता है कि वो कितना खुश है। तभी वहाँ चिंकी भी आ जाती है और जगदीश भगत से कहती है, मुझे घर पर तुम्हारी मदद चाहिए। बिरजू कहता है, अरे मैं कर देता हूँ ना मदद। चिंकी कहती है, नहीं, क्योंकि वो काम जगदीश ने शुरू किया था तो वही खत्म करेगा, और वहाँ से चली जाती है। जगदीश कहता है, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? वो अभी मुझसे अपना खड्डा खुदवाने की बात करके गई है। आगे जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसको गाने की आवाजें आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि खड्डे की खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। जो सब उसे बहुत बुरा लग रहा था, तो वो सीधा जाकर अपने दारू के पूल में पड़ जाता है, क्योंकि यही अब उसका एक सहारा बचा था। आधी रात में जब वो सोने की कोशिश करता है, तो वो गाना फिर से बजने लगता है, मतलब कि खड्डे की खुदाई शुरू हो चुकी है। जो सोच सोच कर उसको भला नींद कैसे आ सकती थी कि कोई उसकी चाहत को बजा रहा है। अगली सुबह बिरजू भड़वा अपनी वाइफ बीमारी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहां बीमारी उससे पूछती है कि चिंकी अपनी जगदीश भगत को लपेट लपेट कर दे रही है, क्या तुम जानते हो ये बात? जो सुनकर बिरजू की जल जाती है, तो वो कहता है, क्या यार तुम कुछ और बात करोगी प्लीज? तभी वो साला गाना फिर से बजने लगता है, जिससे बिरजू को गुस्सा आ जाता है। बीमारी कहती है, अगर तुम्हें इस गाने से इतनी ही नफरत है तो तुम उसे बंद क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तुम कुछ भी करवा सकते हो। बस फिर क्या था, अब राष्ट्रपति पर बात आ गई थी, तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें वो सभी को एक शिकायत दर्ज करने वाला बोर्ड दिखाता है, कहता है, अपनी पूरी सोसाइटी की कंप्लेन यहाँ लिखी जाएगी, और सबसे पहला प्रस्ताव मैं रखता हूँ कि तुम दोनों को कबड्डी खेलते वक्त अपने गाने को बंद रखना होगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी को उससे प्रॉब्लम होती है। चिंकी कहती है, मैं और जगदीश भगत जो भी करते हैं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। बिरजू अपनी वाइफ से पूछता है, क्या ये नहीं जानती कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ? वो कहती है, ये तो सचमुच बेवकूफी है, मजाक चल रहा है क्या? बिरजू कहता है, क्या बेवकूफ, तूने कभी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सुना क्या? अगर नहीं सुना तो ये वही है। जिसके बाद वोट की जाती है कि कौन कौन कबड्डी खेलते वक्त गाने बजाने के खिलाफ है, जिसमें कोई भी वोट नहीं करता सिर्फ उसे छोड़कर, इसीलिए वो शिकायत वहीं दब जाती है। तभी बीमारी एक मुद्दा उठाती है कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि बिरजू को, यानी कि अपने देश के राष्ट्रपति को, अपना टट्टी वाला स्विमिंग पूल साफ करना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे को तुरंत ही 3 वोट मिल जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब राष्ट्रपति को अपना टॉयलेट साफ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लव बर्ड फिर से अपना गेम बजाने चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बिरजू ने एक कीटाणु सूट पहन रखा है,
और अपना टट्टी वाला पूल साफ करने में लगा हुआ है, जो सब करते वक्त उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका प्लान उसी पर ही उल्टा पड़ गया था। तभी वहाँ चिंकी बजवाले उससे बात करने आती है, जिससे बात करने से पहले वो नहा धोकर आता है। चिंकी कहती है, मुझे माफ कर दो बैक टू बैक बार बार गाना बजाने के लिए। वो कहता है, अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू रखो, वैसे भी मैं वोट हार गया था। चिंकी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग है और फिर भी मैंने तुमको जानबूझकर परेशान किया, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। वो कहता है, हाँ ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी माफी, पर देखो उस रात अगर मैं आतिशबाजी नहीं करता तो जगदीश भगत यहाँ कभी नहीं आता और अपना चक्कर चलता रहता। चिंकी कहती है, वो सब मुझे नहीं पता पर जगदीश भगत अब यहाँ हैं, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है कि ये साला कभी नहीं सुधरने वाला। जिसके जाने के बाद वो काफी देर तक वहीं बैठा रहता है और कुछ प्लान बनाता है, जिस प्लान को एप्लीकेबल करने के लिए वो जगदीश भगत को अपने साथ एक लॉन्ग राइड पर ले जाता है, जिसमें वो उसे 12 घंटे की ड्राइव करके रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है और बहाना लगाकर जगदीश से कहता है, टायर पंचर हो गया लगता है, एक बार देखना जरा। जगदीश टायर को उतर कर देखने जाता है, जिसके उतरते ही वो अपनी गाड़ी को वहां से भगा लेता है और जगदीश बस उसको वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता है, इस उम्मीद में कि वो टेस्ट ड्राइव ले रहा है, वापस आएगा मुझे लेने के लिए। जबकि बिरजू भड़वा उसको यहां रेगिस्तान में अकेला छोड़कर भाग जाने वाला था, जिसमें वो उससे कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि वो जेलस फील करने की वजह से ये क्या कर रहा है, और ना चाहते हुए भी फिर से अपनी गाड़ी को वापस ले आता है और जगदीश को लिफ्ट देता है, जो उससे पूछता है कि भाई ये तो बता दे कि हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। बिरजू कहता है, यही तो है वो जगह जहाँ हम आ रहे थे। जिस पर जगदीश चारों तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, वाह सचमुच कमाल की जगह है। जिसके बाद दोनों फिर से वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ घर पहुंचकर सबसे पहले बिरजू अपना टट्टी वाला स्विमिंग पूल साफ करता है और बीमारी को सरप्राइज देते हुए अपना पोर्टेबल टट्टी खाना दिखाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है कि चलो इस भड़वे में कोई तो सुधार आए। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, बिरजू भड़वा जगदीश भगत से बहुत परेशान हो चुका था तो वो उसे रेगिस्तान में छोड़ने जाता है, लेकिन वहाँ उसका इरादा बदल जाता है तो वो उसे वापस घर ले आता है और अपने टॉयलेट पूल को साफ करता है। आगे रात में सभी एक साथ बैठे थे, तभी लाइलाज बीमारी की नजर चिंकी के हाथ में पड़े ब्रिसलेट पर पड़ती है तो उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने दिया? वो कहती है, ये मुझे जगदीश भगत ने दिया अपना प्यार दिखाने के लिए। लाइलाज कहती है, वाह सचमुच क्या गजब का गिफ्ट है, बिरजू भड़वे ने तो आज तक मुझे खुद का बाल भी नहीं दिया। बिरजू कहता है, बेसाली मैंने उस दिन दी तो थी तेरे को पिंगली हुई आइसक्रीम, साला किसी को भी कदर ही नहीं है मेरी। तभी जगदीश उन सभी को अपने हाथों से बनाए हुए पुतले दिखाता है, जो देखकर वो दोनों लड़कियां ऐसे पागल हो जाती हैं, जैसे कि जगदीश भगत ने दाविंची द चूतिया की कोई पेंटिंग बना दी हो। जिस पर बिरजू भी उसकी झूठी तारीफ करता है, कहता है, यार माँ कसम तेरे हाथों में हुनर है हुनर। जिन पुतलों को जगदीश भगत बिरजू के बगल में रखी टेबल पर रख देता है, जिनको वो जानबूझकर गिरा देता है और कहता है, यार ये तो गलती से गिर गए। जिनमें से एक पुतला टूट जाता है तो जगदीश कहता है, कोई बात नहीं मैं उसको फिर से ठीक कर दूंगा। जो सुनकर वो लड़कियां उस पर फिर से फिदा हो जाती है कि यार ये लड़का सच में बहुत टैलेंटेड है। अगले दिन बिरजू भड़वा लाइलाज बीमारी से उसका DVR प्लेयर उधार मांगने जाता है, जिस पर वो कहती है, तुम जो भी DVR पर देखोगे वो हम साथ में भी तो देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। वो कहता है, नहीं तुझे पता है ना यार मुझे स्पेस चाहिए। वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें स्पेस चाहिए, पर स्पेस हमारी इस धरती पर जनसंख्या बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता, इसीलिए हमें साथ रहना चाहिए। बिरजू कहता है, नहीं मुझसे नहीं होगा। बीमारी कहती है, तो एटलीस्ट मेरे दरवाजे को ही ठीक कर दे, अगर तुझसे नहीं हो रहा तो मैं जगदीश को बोल दूंगी, वो अपने आप कर देगा। जो सुनकर बिरजू की जल जाती है तो वो उस साले दरवाजे का नाप लेने लगता है और इसका नाप लेना देखकर तो कारपेंटर भी शर्मा जाए, जिस पर वो उसके दरवाजे का गलत नाप लेकर सही दरवाजा बनाने का वादा करके चला जाता है और दरवाजा बनाने की बजाय सीधा जाकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगता है। कहता है, यार उस जगदीश भगत ने तो मेरी गींद में दम कर रखा है, सभी लोग हर टाइम उसकी तारीफें ही करते रहते हैं, जगदीश ने ये किया जगदीश ने वो किया, जैसे कि उन लोगों के लिए तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जगदीश को गंदी गंदी गालियां बककर वो जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक चीज दिखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जो चीज थी ये गाय, अब उसके होश इसलिए उड़े थे कि इस धरती पर इंसान तो इंसान, सारे जानवर भी भसूड़ी के खेत में जो चले गए थे।
आगे फटाफट वो घर पहुंचता है और सारी सोसाइटी को इकट्ठा कर लेता है। कहता है, इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम सभी के छक्के छूटने वाले हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने एक जिंदा गाय देखकर सच में सभी के छक्के छूट जाते हैं। बिरजू पूछता है, अच्छा तो कौन कौन चिकन बर्गर खाना चाहेगा? अब दोस्तों, गाय को हमारे देश में पवित्र माना जाता है, पर बाहर के देशों में वो सिर्फ एक पालतू पशु है। तो कोई भी भाई गाय से रिलेटेड बातों पर भावुक मत होना। अब बिरजू की चिकन बर्गर वाली बात सुनकर चिंकी कहती है, यार तू थोड़ा सा भीड़ का घोड़ा है क्या? हम इस गाय को जिंदा रखकर इसकी देखभाल करके दूध भी तो पी सकते हैं। बिरजू कहता है, यार तुम क्या बात कर रही हो, हमें इस जानवर को पालना ही नहीं आता। तभी सबका चहीता जगदीश भगत मैदान में कूद पड़ता है। कहता है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टी अपने अंकल के फार्म पर बिताई थी, जहां मैंने गाय का दूध निकालने से लेकर मक्खन, चाय, दही जमाना और चीज वगैरह बनाना सीखा था। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां फिर से ऐसे पागल हो जाती है कि जैसे जगदीश भगत ने डायरी फार्म पर काम करके एलोन मस्क का रॉकेट बनाने की टेक्निक सीख ली हो। जिस बात पर चिढ़कर बिरजू कहता है, नहीं, ये गाय मुझे मिली है तो इस गाय पर मेरा पूरा हक है, और वैसे भी मुझे गाय के दूध से बनी हर चीज से एलर्जी है, तो गाय तो सालों यहीं रहेगी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अब वो लोग बहस कर ही रहे थे कि गाय कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, तभी गाय अपना रास्ता नाप लेती है और एक बगीचे में जाकर ठूस ठूस कर घास खाने लगती है, जहां जगदीश भगत उस गाय को वहीं रखने के लिए उसे एक मरियल से पेड़ से बांध देता है और दूध निकालने लगता है। कहता है, हमें शुरुआत में गाय का थन पकड़कर उसकी मसाज करनी चाहिए, जिससे दूध गाय के थनों में उतर आता है, और गाय के दूध की पहली धार वो बर्तन में मारता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां उछल पड़ती हैं। अब उस बर्तन में सिर्फ एक ही कप दूध निकला था, जिस दूध की वो दोनों लड़कियां एक एक सिप मारती हैं। तो बिरजू भी अपनी बारी का इंतजार करता है कि उसे भी दूध पीने का मौका मिलेगा। तभी जगदीश भगत बोलता है, अरे यार तुम्हें तो दूध से एलर्जी है ना, हम तो भूल ही गए थे। जो सुनकर बिरजू बेचारे का तो मुंह ही उतर जाता है कि यार वो तो अपनी ही बातों में खुद ही फंस गया, पर उसने ठान लिया था कि वो अपनी गाय का दूध किसी भी हाल में पिएगा। इसीलिए वो रात में चुपके से एक बर्तन में गाय का दूध निकाल कर पीता है। तभी वहाँ वो किसी को आता देखता है, तो वहीं पत्थर के पीछे छुप जाता है और देखता है कि चिंकी और जगदीश भगत चाय बनाने के लिए दूध लेने आए थे। जिन दोनों को एक साथ देखकर उसकी जल जाती है, तो वो गाय की रस्सी खोल देता है ताकि गाय का भागने का सारा इल्जाम जगदीश भगत पर लगे, जिस गाय को वो अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है। और अगले दिन सुबह हो जाती है। जगदीश भगत दौड़ता हुआ उन दोनों लड़कियों के पास आता है। कहता है, गाय अपने ठिकाने पर नहीं है, वो भाग गई। जिस पर वो सारे मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी गाय का एक बाल तक नहीं मिलता, जिसका सारा इल्जाम जगदीश भगत अपने ऊपर ले लेता है। कहता है, मैंने गाय को बहुत अच्छे से बांधा था, पर जब मैं सुबह उठा तो मुझे वहाँ गाय नहीं मिली। बिरजू, जो उसे सभी के सामने शर्मिंदा करना चाहता था और खुद हीरो बनना चाहता था, कहता है, हाँ दोस्त, गाय को भगाने में 100% तेरी ही गलती है, क्योंकि तूने रस्सी को अच्छे से नहीं बांधा था। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं गाय को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए जहन्नुम ही क्यों ना जाना पड़े। तभी चिंकी, जो जानती थी कि बिरजू क्या चीज है, उससे कहती है, तुम जानते हो ना गाय कहाँ है, हमें बेवकूफ मत बना। बिरजू कहता है, यार तुम क्या बकवास कर रही हो, भला मुझे कैसे पता होगा गाय कहाँ है, क्यों ना हम उस गाय को साथ मिलकर ढूंढे। जिस गाय को ढूंढने के लिए वो पूरे शहर का नक्शा उठाते हैं और उस नक्शे को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चिंकी बिरजू से पूछती है कि तेरा वो फुटबॉल के दोस्तों वाला बार कहाँ है, मैं उस वाले हिस्से को लूंगी, क्योंकि मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। और गाय को ढूंढने के लिए वो सीधा उसके अड्डे पर जाती है, जहाँ बिरजू भी पीछे से छुपकर सब देख रहा था कि उसकी अब कैसे बजने वाली है, जिसमें वो अंदर जाती है और वहाँ से खाली हाथ वापस आती है, जिसके जाने के बाद वो दौड़कर अपने अड्डे पर जाता है और गाय को वहाँ ना देखकर ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद करता है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि गाय अगर यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गई। अब उसको हीरो बनने की चूल थी, तो वो गाय को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उससे पहले गाय मिल जाती है जगदीश भगत को, जो देखकर उसकी फिर से जल जाती है, क्योंकि 24 घंटे में जगदीश भगत के नाम पर उसकी 48 बार जलती थी। अब जगदीश ने गाय को ढूंढकर अच्छा काम किया था, तो बिरजू उसकी झूठी तारीफ करता है कि यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जगदीश कहता है, देख दोस्त, बुरा मत मानना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को ये बताओ कि ये गाय तुम्हें मिली है, क्योंकि यार मुझे तब बहुत बुरा लगा था जब चिंकी ने गाय को भगा
बनाने का शक तुझ पर डाला था। बिरजू कहता है ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। जगदीश कहता है क्योंकि भाई तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तू उस दिन बोर्ड पर अलाइव इन लापता गंज नहीं लिखता तो मैं यहाँ कभी नहीं होता और अपने सपनों की लड़की से कभी नहीं मिल पाता। मेरे पास कहने के लिए अब दोस्त है और एक गाय है जो दूध देती है, और इस मरी हुई धरती पर इतना सब पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जो सब कुछ मुझे बस तेरी बदौलत ही मिला है मेरे भाई। आगे रात हो जाती है और जब सारी सोसाइटी एक साथ बैठी होती है तब बिरजू भड़वा कहता है ये देखो मुझे मिल गई गाय, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और गाय के दूध से नहीं पता क्या बनाकर खाते हैं पर उन्हें मजे आते हैं। पर अपना बिरजू भड़वा गाय के दूध से बना हुआ कुछ नहीं खा सकता था क्योंकि वो अपने ही झूठ के माया जाल में जो फंस गया था। आगे रात में जब सभी अपने अपने घर सोने चले जाते हैं तभी लाइलाज बीमारी जोर जोर से चिल्लाती है। सभी लोग दौड़कर उसके घर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि गाय उसके घर में घुस गई है, जो देखकर बिरजू को उस पर बहुत हंसी आती है। तो लाइलाज बीमारी कहती है ठीक है हम गाय को यहीं रहने देते हैं क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं उसी के घर पर। जो सब सुनकर बिरजू की हंसी उदासी में बदल जाती है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। आगे वो दोनों अपने बिस्तर में होते हैं जहां लाइलाज बीमारी अपने पैरों में भर भर कर वैसलीन लगा रही थी, जिसको ऐसा करता देख बिरजू को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी प्राइवेसी जो चली गई थी। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा लाइलाज बीमारी के घर में गाय घुस जाती है, जो सब देखकर बिरजू उस पर बहुत हंसता है। बीमारी कहती है अब टाइम आ गया है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं, जिस सबसे अपने बिरजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। और तो और वो रात को सोते वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोती थी जिससे बहुत नॉइस होती है और बिरजू सो नहीं पाता, पर अब साला करे भी तो करे क्या। आगे जैसे ही सुबह होती है बिरजू भड़वा अपने बेडरूम से उतरकर नीचे आता है तो देखता है कि उसकी करोड़ों की पेंटिंग में कुछ फेरबदल हुई है। जो फेरबदल ये कुत्ते का बच्चा है, जिस पर वो लाइलाज बीमारी से पूछता है कि ये कुत्ते का बच्चा इस ब्रिज पर क्या कर रहा है, और कहता है अगली बार मेरी पेंटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसने इस पेंटिंग के साथ ही नहीं सारी पेंटिंग्स के साथ अन्याय किया था, जिस सबसे बिरजू को बहुत गुस्सा आता है पर वो उससे कुछ नहीं कहता। तभी वो देखता है कि मेरे घर में एक चीज मिसिंग है, जो चीज थी उसकी ढेर सारी नीली मैगजीन। वो बीमारी से पूछता है मेरी मैगजीन कहाँ है, वो बताती है मैंने उनको पैक करके गैराज में रख दिया। बिरजू कहता है बेसाली बेवकूफ, क्या तुम मेरी चीजों को इधर से उधर रखना बंद करोगी। बीमारी कहती है देख मेरे दोस्त, अब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं है, हम दोनों का है। वो कहता है ठीक है तो हमारी नीली मैगजीन वापस उठाकर यहीं लाओ क्योंकि मुझे हाथ गाड़ी चलानी पड़ती है। वो कहती है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ गाड़ी चलाने के लिए मेरे पास एक मस्त सी चीज है, जिसमें वो उसे एक एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट देते हुए कहती है कि लो इसे देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला लो, जिसमें सिर्फ एक लड़की ऐसे ही पोज देकर खड़ी थी। अब ये सारा टॉर्चर उससे नहीं सहा जा रहा था तो वो घर से बाहर जाने लगता है। बीमारी दौड़कर फटाक से उसे अपने हाथ से बनाई हुई शॉपिंग लिस्ट देती है, जिसको वो गुस्से में लेकर बाहर निकलता है, जहां उसकी नजर शिकायत बोर्ड पर पड़ती है जो कि पूरा भर चुका था, जिस पर सिर्फ हर जगह बिरजू की गलतियों को सुधारने की ही बातें लिखी थी। तभी वो अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि जगदीश भगत चिंकी के खुलेआम बाल काट रहा है। अब उसको गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था तो वो शिकायत बोर्ड पर लिख देता है कि खुलेआम बाल काटना निषेध है। आगे वो शॉपिंग मॉल से लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें ले लेता है और उन्हें एक एक करके लिस्ट से मैच करता है और उस सारे सामान को आग लगा देता है, और ऊपर वाले को कोसते हुए कहता है तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मुझे लाइलाज बीमारी से क्यों मिलवाया, और मिलवाया तो मिलवाया चिंकी बजवाले से पहले क्यों नहीं मिलवाया, और चलो यहाँ तक भी ठीक था, फिर तूने उस साले जगदीश भगत को हमसे क्यों मिलवाया। जो सब सुनकर ऊपर वाला एक चमत्कार करता है जिसमें एक गाड़ी सीधी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से दो मस्त माल उतरती है, जिन्हें देखकर वो ऊपर वाले की तरफ देखता है और कहता है वाह तेरी भी क्या मर्जी है। अब बिरजू भड़वा को देखकर वो दोनों लड़कियां आश्चर्यचकित हो जाती है कि उन्हें कोई घोड़ा देने वाला मिल ही गया, जिसमें इस सेक्सी वाली का नाम है चुस्की और इस बुढ़िया का नाम है बूढ़ी घोड़ी, जो उससे पूछती है क्या तुम वही इंसान हो जिसने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर अलाइव इन लापता गंज लिखा था। बिरजू कहता है हाँ हाँ मैंने ही लिखा था।
वो पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो या कोई और भी है तुम्हारे साथ? जो सुनकर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि मैं इन्हें उन बकवास लोगों के बारे में बताऊं या नहीं। अगर बताया तो ये उसके हाथ से चली जाएंगी, जिस पर वो खूब नापतोल करके कहता है, हाँ मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जो सुनकर वो लड़कियाँ खुशी से उछल पड़ती है और वो सारे एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर एक खाली पड़े आलीशान होटल को अपने रहने के लिए चुनते हैं और खुशी में एक शैंपेन की बोतल खोलते हैं कि वो तीनों इस धरती पर आखिरी बचे इंसान हैं। बिरजू उन दोनों से उनका इंट्रोडक्शन लेता है और पहले की ही तरह उनके तारीफों के पुल बांध देता है, क्योंकि वो उन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था और दोनों को एक साथ बजाना चाहता था। जिस पर वो कहती है, असली तारीफ के हकदार तो तुम हो, जो तुमने उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर लिखा कि कोई इंसान लापता गंज में जिंदा है, तुम सचमुच एक जीनियस हो। चुस्की कहती है, हमें लगता था कि इस पूरी धरती पर हम सिर्फ दो औरतें ही बची हैं, और हम दोनों हमेशा टेंशन में रहती थी कि अब इंसानों की जनरेशन का क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगी जब तक हमें कोई घोड़े वाला मर्द नहीं मिल जाता। तभी बूढ़ी घोड़ी की शैंपेन खत्म हो जाती है तो बिरजू उसके गिलास को फिर से भरता है, जिस पर चुस्की की नजर उसकी पहनी हुई अंगूठी पर पड़ती है और वो पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? अब इससे पहले कि वो उन्हें कुछ टट्टी बताता, तभी बूढ़ी घोड़ी बोलती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमें वो सब बताने की, हम भला तुम्हारे गड़े मुर्दों के बारे में जानकर क्या करेंगे, पर जो भी हुआ बुरा हुआ। और उसको रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि पेट भरने के बाद ही तो खुदाई का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद वो फिर से शॉपिंग करता है और सारा सामान लेकर घर पहुंचता है। जो सारा सामान देखकर बीमारी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बिरजू ने एक गलती कर दी थी, जिसमें वो साला जब उन दोनों लड़कियों के साथ होटल गया था तो होटल की साबुन उठा लाया था। बीमारी पूछती है, तुम होटल क्या करने गए थे? क्या तुमने वहाँ कोई अपनी पर्सनल रखेल रख रखी है? बिरजू उसे जबरदस्ती अपने हाथी वाले दांत दिखाते हुए कहता है, अरे यार क्या मजाक कर रही हो? बीमारी कहती है, मैं जानती हूँ तुम होटल में क्या करने गए थे, तुम वहाँ अपनी खुशी ढूंढने गए थे, तुम्हें अकेलापन चाहिए था जो मैंने तुमसे छीन लिया था, इसलिए गए थे ना तुम वहाँ पर, मुझे पता है तुम इसीलिए गए थे वहाँ। अब बिरजू को सारा झूठ थाली में परोसा हुआ मिल रहा था तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, मैं वहाँ अपनी खुशी ढूंढने गया था और आज रात को मैं अकेला कैंपिंग पर जा रहा हूँ। अब हमें तो पता ही है कि वो रात में डिनर करने के बाद कहाँ कैंप लगाएगा। जिसके बाद बिरजू डिनर की तैयारी करने अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि दोस्तों चुस्की और बूढ़ी घोड़ी क्या गजब की चीज है, तुम देखना मेरे यारों, मैं उन दोनों के लिए एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। और खुदाई करने पहुंच जाता है, जो कि डिनर के लिए काफी अच्छे से तैयार हो रखी थी और उन्होंने डाइनिंग टेबल को भी उतने ही अच्छे से सजा रखा था जितनी अच्छी वो खुद सजी हुई थी, जो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि बूढ़ी घोड़ी एक ऊंचे लेवल की बावर्ची थी। वो सारे डिनर करते हैं और दारू पीते हैं, जिसमें उनको बहुत मजे आते हैं, और मजे मजे में गलती से बिरजू बूढ़ी घोड़ी को ओल्ड लेडी बोल देता है, जो सुनकर सारे माहौल की माँ बहन एक हो जाती है। बिरजू कहता है, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जिसके बाद वो बिना सिर पैर हाथ की बातें करने लगता है और बात घुमाने के लिए कहता है, मेरी एक बीवी थी लाइलाज बीमारी नाम की, जो कि बहुत टाइम पहले मेरा साथ छोड़कर चली गई, बोले तो मर गई बेचारी, जिसके दुख से मैं कभी नहीं निकल पाया, और तो और मुझे वो अभी भी हर जगह फील होती है। जो दुख भरी कहानी सुनकर उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार इसके साथ कितना बुरा हुआ है। बिरजू कहता है, सॉरी दोस्तों, मैंने ये पूरी पार्टी खराब कर दी मेरी मरी हुई बीवी की सच्ची कहानी सुनाकर। तभी बूढ़ी घोड़ी कहती है, मेरे पास एक रास्ता है इस पार्टी को वापस ट्रैक पर लाने का, जिसमें वो गाड़ी चलाकर एक पहाड़ पर जाएंगे जहाँ नेचुरल गर्म पानी आता है, जिस गर्म पानी में बिरजू उन दोनों का पानी निकालेगा। अब बिरजू जो उनका पानी निकालने की फिराक में था खुशी से उछल पड़ता है, कहता है, चलो यारो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी सोसाइटी भी डिनर कर रही थी, जहाँ चिंकी पूछती है, बिरजू कहाँ है वैसे? लाइलाज कहती है, वो अकेला कैंपिंग करने गया है, जो सुनकर चिंकी को दाल में कुछ काला लगता है। लाइलाज कहती है, अरे यार तुम गलत समझ रही हो, वो एक सच्चा और एक अच्छा इंसान है। जगदीश भगत कहता है, हाँ वो सचमुच एक अच्छा इंसान है और हमें उसका दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं सिर्फ उसी की वजह से ही हैं। लाइलाज कहती है, तो क्यों ना हम स्टोर जाकर उसके लिए गुब्बारा वगैरह और पार्टी का सामान लेकर आएं और एक मस्त सा माहौल तैयार करें, जो सब देखकर बिरजू को बहुत अच्छा लगेगा कि हम भी उसकी फिक्र करते हैं। दूसरी तरफ बिरजू उन दोनों लड़कियों के साथ निकल पड़ता है और खूब मजे कर रहा है। बूढ़ी घोड़ी कहती है, हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही दमादम का प्रोग्राम शुरू कर देंगे, तब तक तुम अपनी पैंट उतार लो। जो सुनते ही बिरजू की चांदी चांदी हो जाती है तो वो फटाफट अपनी पैंट उतारने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ वो सारे बिरजू को थैंक यू बोलने के लिए स्टोर से सामान लेने जा रहे थे। तभी बूढ़ी घोड़ी को एक लाइट दिखाई देती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, लगता है यहाँ और भी इंसान रहते हैं। बिरजू समझ जाता है कि वो इंसान कौन लोग है, तो वो उन्हें गुमराह करने के लिए कहता है। अरे वो लाइट वाइट नहीं है, वो गाड़ी भी नहीं है, वो कोई जुगनू वुगनू चमक रहे हैं बस। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो दोनों कार एक दूसरे के आमने सामने आकर रुक जाती है, जिस पर बिरजू भड़वा चुपचाप बैक सीट के पीछे छुप जाता है। आगे दोनों तरफ से दोनों पार्टियां उतरती हैं और वो सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि कभी तो उन्हें एक भी इंसान नहीं मिल रहा था और अब इतने सारे हो गए। बूढ़ी घोड़ी उन्हें बताती है कि हमारे साथ एक कमाल का आदमी है जिसके साथ हम ऊपर पहाड़ पर खुदाई करने जा रहे हैं और तुम्हें भी शायद उससे मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सारे लोग बूढ़ी घोड़ी की कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बिरजू जब हल्का सा खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो लाइलाज बीमारी उसे पहचान लेती है। कहती है, बिरजू, ओ बिरजू। चुस्की पूछती है, क्या तुम जानती हो बिरजू को? बीमारी कहती है, हाँ वो मेरा हस्बैंड है। जिस पर वो अंदर से कहता है, सरप्राइज। जिसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा बिरजू को दो अजनबी लड़कियां मिलती है जिनको वो झूठ बोल देता है कि वो किसी भी जिंदा इंसान को नहीं जानता, और उनके साथ टपाटप करने के लिए वो एक गर्म पानी के पहाड़ पर जा रहा है। तभी उन्हें रास्ते में बाकी के लोग भी मिल जाते हैं जहां लाइलाज बीमारी उसे पहचान लेती है कि वो उसका हस्बैंड है। जिसके बाद बिरजू उन सभी को बेवकूफ बना रहा होता है कि यारो ये एक गजब का प्रैंक था। चुस्की बोलती है, हमें तुम पर अपरत्ती भर भी यकीन नहीं है, भला तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो कि तुम किसी और जिंदा इंसान को नहीं जानते। बिरजू कहता है, यारो मेरा विश्वास करो, मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम लोगों को अप्रैल फूल बनाना चाहता था, वो सचमुच एक गजब का प्लान था। बूढ़ी घोड़ी बोलती है, और उसका क्या जो तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी वाइफ लाइलाज बीमारी मर चुकी है? अब ये मरने वाली बात सुनकर अपनी वाली पार्टी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि यार ये क्या गजब का टोपीबाज आदमी है। बिरजू फिर से बहाने लगाते हुए कहता है, यार लाइलाज बीमारी मैंने तेरे बारे में नहीं कहा था, मैंने तो किसी और लाइलाज बीमारी के बारे में कहा था, और मुझे सचमुच बुरा लग रहा है तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों ने पूरे प्लान की माँ बहन एक कर दी। जो सब कुछ सबको अच्छे से समझ में आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था, जिस पर वो सभी गुस्सा होकर अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल लेते हैं उसको वहीं अकेला छोड़कर। जिसके बाद सीधी सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बेचारा टुचुक 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 करके पैदल अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सभी लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश है। चुस्की कहती है, यार क्या गजब की बात है कि तुम लोगों के पास गाय है। तब तक बिरजू भी वहां पहुंच जाता है जिसे देखकर सभी लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। वो उनसे काफी बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकालते क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहे थे। बिरजू कहता है, यार तुम लोगों को क्या हुआ है, मैंने तुम लोगों को बताया तो था कि वो सिर्फ एक मजाक था। जिसके बाद वो लाइलाज बीमारी से बात करने अपने घर जाता है जहां वो भूतों की एक्टिंग करने लगती हो। वो पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है, हाँ तो कर लेना, मैं तो भूत हूँ, मैं तो मर गई थी ना, तुमने ही तो कहा था। बिरजू कहता है, यार ये सब करना बंद कर, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं उन लड़कियों के साथ रंगारंग पार्टी करने के लिए पहाड़ पर जा रहा था, पर मैंने उन सभी के साथ कुछ किया तो नहीं ना। वो कहती है, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया ना, तू साले एक बहुत बड़ी गंदी नाली का कीड़ा है और तू वही रहेगा, तो चल अब इस घर से निकल, तेरा हो गया यहां। बिरजू कहता है, पर ये घर तो मेरा है ना। वो कहती है, नहीं तेरे जैसे जानवर का कोई घर नहीं होता जो कहीं पर भी मुंह मारता फिरता हो, तो चल अब निकल यहां से। जहां से वो बेचारा अपनी बुरी सी शक्ल लेकर अपने दोस्तों के अड्डे पर पहुंचता है और अपनी सारी भड़ास निकालता है कि उसके साथ ये क्या चल रहा है, और गंदी गंदी गालियां बककर वहीं टेबल पर सो जाता है। अगली सुबह चुस्की और बूढ़ी घोड़ी लाइलाज बीमारी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। लाइलाज बीमारी जो उनको दोषी समझती थी कहती है, ये कोई लास्ट मैन ऑन अर्थ की सीरीज चल रही है क्या, जो तुम्हें फटाफट टपाटप करने का डिसीजन लेना पड़ा, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको तुम 1.5 घंटे पहले ही मिली थी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी तड़प भरी थी कि तुम्हें कोई भी चलेगा? चुस्की कहती है, तुम जानती हो बिरजू ने हमें बताया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो इस धरती पर अकेला है,
बीमारी कहती है, हाँ तुमने बताया था और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम एक पढ़े लिखे देश के नागरिक हो, तो क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी रिसर्च करने का हक नहीं था? और अगली बार जब किसी का घोड़ा लेना हो ना, तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना। वहीं दूसरी तरफ बिरजू भड़वा अभी भी अपने दोस्तों के साथ था और उनसे पूछ रहा था कि भाई लोग बताओ तुम कौन सी पीना चाहोगे, जिसमें वो बारटेंडर की तरह बोतल को घुमा घुमा कर दारू डालने की कोशिश करता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि उससे नहीं हो पाएगा। घर पर दोनों प्रेमी लाइलाज बीमारी के पास जाते हैं ये देखने कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर वो दोनों प्रेमी एक दूसरे से एक एक फुट की दूरी पर बैठे थे। लाइलाज बीमारी कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे से इसलिए दूर बैठे हो ना ताकि मुझे तुम दोनों को देखकर बुरा फील ना हो, क्योंकि मेरी शादी तो टूटने की कगार पर है। चिंकी बजवाले कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी कहती है, ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो अभी मेरे सामने एक दूसरे को किस करो और दिखाओ कि तुम मेरे लिए हमदर्दी फील नहीं कर रहे। वो दोनों किस करते हैं और बीमारी कहती है, ठीक है मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। दूसरी तरफ बिरजू का हाल बेहाल हुआ जा रहा था दारू पी पी कर, और वो इस इंतजार में पड़ा था कि कोई तो उसे लेने आएगा, किसी को तो उसकी परवाह होगी, लेकिन अजी मेरा घंटा, किसी को भी उसकी नहीं पड़ी थी। अगले दिन अब उस बेवकूफ को शांति नहीं थी, तो वो गीली सूट पहनकर झाड़ियों में छिपकर एक दूसरों की बातें सुनने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सारे झूठों से अब तक पर्दा उठ चुका है और किसी को भी अब उस झूठे इंसान की जरा भी परवाह नहीं है। वो सोचते थे कि बिरजू भड़वा इस दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। रात के टाइम वो फिर से अपनी पूल टेबल पर पड़ा होता है और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कि वो लोग मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे, पता नहीं वो मुझ पर गुस्सा क्यों है, जबकि मैं तो सिर्फ वो करना चाहता था जो मैं करना चाहता था। वहीं पूरी सोसाइटी आग के आगे बैठकर मजे ले रही थी, तभी बिरजू भी वहां पहुंचता है और उन सभी से माफी मांगता है। कहता है, दोस्तों मैं अकेला नहीं रह सकता। वो कहते हैं, ठीक है हमारे साथ रहो पर हम तुम्हें इग्नोर करेंगे। बिरजू कहता है, नहीं कर पाओगे, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वो ऐसा तब तक करने का फैसला करता है जब तक कोई उसे रोके ना, पर साला कोई भी उसे नहीं रोकता, तो उसे बताना पड़ता है कि वो चुस्की और बूढ़ी घोड़ी के साथ कबड्डी खेलने जा रहा था और वो बिल्कुल भी अप्रैल फूल नहीं था। जिसके साथ साथ वो ये भी बता देता है कि वो चिंकी बजवाले के खेत में भी हल चलाना चाहता था, मुझे जनसंख्या बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं था, बस मैं उसे बजाना चाहता था, किसी भी हाल में बजाना चाहता था। फिर वो लाइलाज बीमारी से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा गलत किया, मैंने शुरुआत से ही तुमको नजरअंदाज किया, कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं की और हमें कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब मैंने तुमसे कहा था शादी के वक्त कि मुझे मंजूर है, वो भी एक झूठ था। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने उन सभी को सच सच बता दिया है और अब मुझे सचमुच अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज पहली बार सही किया। तभी वहां लाइलाज बीमारी आती है और उसे एक फाइल देती है जिसके अंदर तलाक के पेपर थे, जो सारी बातें लाइलाज बीमारी ने अपने हाथों से लिखी थी क्योंकि वो एक नोटरी जो हुआ करती थी पहले। बिरजू पूछता है, क्या तुम यही चाहती हो? वो कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बिना ज्यादा अच्छे हो और मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तो चलो साइन करो। जिसके बाद बिरजू भड़वा तलाक के पेपर पर साइन करता है और लीगल तरीके से तलाकशुदा आदमी बन जाता है। अब लाइलाज बीमारी, जिसका दिल बहुत बड़ा था, वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और बिरजू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों अब वो मेरी वाइफ नहीं, एक्स वाइफ है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, लाइलाज बीमारी बिरजू भड़वा को तलाक दे देती है, जिसके जाने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है, अब वो मेरी वाइफ नहीं, एक्स वाइफ है। और जब पूरी सोसाइटी एक साथ बैठी होती है, तब वो लाइलाज बीमारी के साथ वहां होता है, जहां बीमारी सभी को बताती है कि हम दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। बिरजू भड़वा कहता है, हाँ क्योंकि हम एक दूसरे का भला चाहते थे। और लाइलाज बीमारी से कहता है, तुम जब भी चाहो, तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। बीमारी कहती है, नहीं दरवाजा तो मेरे घर का खुला है क्योंकि तुमने उसे तोड़ जो दिया था और अभी तक ठीक भी नहीं किया। जिसके बाद वो शैंपेन का एक एक गिलास उठाते हैं। बिरजू कहता है, बीमारी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जियो और वो खुशी
ढूंढो जो तुम्हें खुशी दे पाए। बीमारी कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी जिंदगी के 3 हफ्ते हमारी शादी को दिए। अब 3 हफ्तों वाली बात सुनकर चुस्की और बूढ़ी घोड़ी चौंक जाती है कि साला हमें तो लगा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ दुनिया के खत्म होने से पहले से ही हैं। अब सभी लोगों का बिरजू के साथ गिला शिकवा दूर हो चुका था, तो बूढ़ी घोड़ी सभी के लिए तानपुरा बजाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और बिरजू भड़वा अब आजाद है कुछ भी करने के लिए, जिसमें वो एक कटर मशीन के अंदर कलर के डब्बे डालकर अपने घर को फिर से गंदा करता है। तभी बूढ़ी घोड़ी, जिसको उससे कुछ चाहिए था, उससे मिलने आती है। कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं, और अब जब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हारा क्या विचार है बिल्ली मारने का। तभी वहाँ लाइलाज बीमारी आ जाती है अपना कुछ सामान लेने, जिसे देखकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। तो वो कहती है, मुझ पर ध्यान मत दो, जो कर रहे हो वो करते रहो। बूढ़ी घोड़ी बिरजू से कहती है, तो फिर ठीक है, 3 बजे मिलते हैं, तुम अपना डंडा तैयार रखना बिल्ली मारने के लिए। वहीं दूसरे घर में हम उन दोनों लव बर्ड्स को देखते हैं, जिसमें जगदीश भगत चिंकी के लिए दिल की सेब का पैनकेक बनाकर लाता है और उसे आई लव यू बोलता है, जिसके रिप्लाई में वो लव यू टू नहीं बोलती, बस थैंक यू बोलती है। बिरजू भड़वा को कॉफी पीनी थी तो वो दूध लेने गाय के पास जाता है, जहाँ चुस्की पहले से मौजूद थी, जो बिरजू को खुश देखकर उससे पूछती है, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है भड़वे। वो कहता है, हाँ खुश तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने लाइलाज बीमारी को उसकी खुशी के लिए डिवोर्स दे दिया। जिस पर चुस्की जलेबी की तरह बातों को घुमाते हुए उससे पूछती है, तो फिर क्या प्लान है तुम्हारा खड्डा खोदने का। वो कहता है, खड्डा खोद देंगे, खड्डा कोई दिक्कत नहीं है। चुस्की कहती है, ठीक है फिर 5 बजे मिलते हैं। बिरजू कहता है, हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि मेरी 3 बजे की एक और अपॉइंटमेंट है। आगे बिरजू भड़वा एक जरूरी काम करने के लिए कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे जगदीश भगत मिलता है, जिससे वो पूछता है, दोस्त क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ अकेले बाहर क्यों घूम रहे हो। वो बताता है, मैंने चिंकी बजवाले से आई लव यू कहा और उसने बदले में मुझे सिर्फ थैंक यू कहा। बिरजू कहता है, हाँ यार मैं जानता हूँ, सचमुच बहुत बुरा लगता है, पर मेरे दोस्त तू उस छोटी सी बात को दिल पर मत ले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मर्द है और मुझसे तो वो नफरत करती है, बचा तू, तुझको छोड़कर वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, टेंशन मत ले। जो बोलकर वो अपना जरूरी काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो जरूरी काम है ये, जिसमें उसको इस बोर्ड पर लिखा हुआ अलाइव इन लापता गंज मिटाना था, ताकि कोई और बंदा या बंदी आकर उसकी जिंदगी के एल ना लगाए, क्योंकि अब जाकर ही तो बिरजू की लाइफ सेट हुई है, जिसमें उसको खूब सारे खेतों में मजदूरी करने को मिले। जिस बोर्ड पर वो लापता गंज काटकर मूव टू टेम्पा लिख देता है, तभी वो होता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, वो सीढ़ी जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ा था गिर जाती है, जिसके बाद 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और वो जोर जोर से मदद करो चिल्ला रहा होता है, पर यहाँ दूर दूर तक उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और वो ऊपर से कूद भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऊपर से कूदा तो टांग टूट जाएगी और अगर टांग टूटी तो डॉक्टर यहाँ है नहीं, तो उसे मरना ही पड़ेगा। आगे अब तक 3 बज गए थे, तो बूढ़ी घोड़ी एक महंगी सी शैंपेन की बोतल लेकर उसके बेडरूम में पहुंचती है और उसे पुकारती हुई पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो बेचारा तो धूप में अपनी पैंट खोलकर थोड़ी सी छाया करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले को वो भी मंजूर नहीं था। जिसके बाद अब तक 5 बज गए थे, तो चुस्की भी उसके बेडरूम में जाती है, जहां वो बूढ़ी घोड़ी को देखती है तो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं तो यहाँ खुदाई करवाने आई थी। बूढ़ी घोड़ी कहती है, हाँ खुदाई तो मैं भी करवाने आई थी, पर वो साला यहाँ है ही नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा साला गोलीबाज ही रहेगा। तभी वहाँ लाइलाज बीमारी भी आ जाती है, जो उन दोनों को देखकर कहती है, वाह तुम लोगों ने तो सचमुच बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अब अगले दिन की दोपहर हो जाती है, जिस कड़कड़ाती धूप की वजह से वो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है और अपने लिए छाया करने का पूरा तामझाम करता है, पर छाया नहीं होती। वहीं शाम के टाइम लाइलाज बीमारी अपने लिए कॉफी लेने जाती है, जहां चुस्की और बूढ़ी घोड़ी भी मौजूद थी, जिनसे वो पूछती है, क्या हुआ, मेरे एक्स हस्बैंड से तृप्ति मिली या नहीं मिली। वो कहती है, नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। जो सुनकर बीमारी चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि बिरजू ने 2 औरतों के साथ खुदाई मिस कर दी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और समझ जाती है कि वो जीते जी तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि वो मर गया। दूसरी तरफ अब बिरजू एक कार की ट्रॉली में पड़ा है। लाइलाज बीमारी सभी को इकट्ठा करती है, कहती है, बिरजू 24 घंटों से लापता है और मुझे लगता है कि अब हमें उसे ढूंढना चाहिए। चिंकी बजवाले, जो हमेशा उसके बारे में गलत सोचती थी, कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो लापता है, कहीं पड़ा होगा साला पी के। तभी वहां एक कार आती है, जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कार बिरजू की नहीं थी। और तभी
उस कार में से एक काला मुस्टंडा आदमी उतरता है बिरजू को अपनी बाहों में भर के, जो उन सभी से पूछता है क्या ये बंदा तुम लोगों में से एक है। जिसके बाद सीन कट होता है और वो सभी को बता रहा होता है कि वो रूट 77 से आगे बढ़ रहा था, जहां उसने एक एडवर्टाइजमेंट पोल देखा और पास में ही पड़ी हुई एक सीढ़ी और एक कार देखी, और ऊपर एडवर्टाइजमेंट पोल पर कुछ हिल रहा था तो मैंने ऊपर जाकर चेक किया तो मुझे वहां ये भड़वा मिला कच्चे में। तभी लाइलाज बीमारी उसको थैंक यू बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इसे यहां तक लेकर आए, और उससे उसका नाम पूछती है। कालिया कहता है मेरा नाम बिरजू भड़वा है, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि इस धरती पर सिर्फ ये मुट्ठी भर लोग ही बचे थे, और इनमें से भी दो इंसान ऐसे थे जिनके नाम सेम टू सेम थे, जो कि अजीब बात थी। जिसके बाद कालिया सबको बताता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना में पला बढ़ा और मिलिट्री में मैकेनिक था, जो सुनकर अपना बिरजू कहता है यार मैं भी तो आर्मी में था। बीमारी उसको चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि सभी को पता था कि वो एक झूठा है। अब इस कालिए बिरजू को देखकर जगदीश अनसिक्योर फील कर रहा था तो वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है मैं हूँ चिंकी बजवाले का बॉयफ्रेंड, ताकि वो कालिया चिंकी बजवाले पर लाइन ना मारे। तभी कालिया बिरजू पूछता है तुम में से टेम्पा कौन जा रहा है, क्योंकि मैंने जब बिरजू को वहां से उठाया तब एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर लिखा हुआ था मूव टू टेम्पा। चुस्की अपने बिरजू से पूछती है भला तुमने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा। बिरजू कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, जो सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस साले का कुछ नहीं होने वाला, तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और बिरजू अफसोस में वहीं बैठा रहता है कि यार उसके हाथ से तो वो दोनों लड़कियां भी गई, उसकी वाइफ भी गई, और तो और उसका नाम भी गया, साली जिंदगी ही खराब है। घर पर जगदीश चिंकी से कहता है वो कालिया क्या हैंडसम लौंडा है, और अपने लिए एक मोटा सा पैग बनाता है क्योंकि उसे लगता था कि चिंकी अब उस मोटे के साथ न रहकर कालिया के साथ रहेगी। चिंकी कहती है यार तुम ये पागलों जैसी हरकतें करनी बंद करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जगदीश कहता है हाँ पर तू मुझसे प्यार नहीं करती, जो बात उसको बुरी लगती है तो वो सोने चली जाती है। वहीं बिरजू बूढ़ी घोड़ी के पास जाता है और कहता है मैंने डेट मिस कर दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और कहता है तो फिर कल का क्या प्लान है। बूढ़ी घोड़ी कहती है नहीं 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 नहीं, मेरा अब मूड बदल गया, मैं अब वो सब नहीं करना चाहती, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है। जिसके बाद वो खिड़की से झांक कर देखता है कि वो दोनों कालिए बिरजू के साथ पूरी रात मजे करने के प्लान बना रही है, क्योंकि वो बंदा ज्यादा हैंडसम था और बॉडी भी ज्यादा अच्छी थी उसकी। अगली सुबह अपना बिरजू पूरी सोसाइटी की सभा बुलाता है और कहता है मेरे पास एक रीजन है, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ एक राष्ट्रपति होने के नाते बुलाया है। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता बूढ़ी घोड़ी पूछती है क्या बहनचोद। तभी जगदीश भगत उसकी तरफदारी करते हुए बोलता है हाँ अपना बिरजू भड़वा अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो कि एक लंबी कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगा। तभी कालिया बिरजू बात छेड़ते हुए पूछता है तो राष्ट्रपति साहब क्या आप हमें बता सकते हो कि आप बिजली बनाने के लिए क्या कर रहे हो। अपना बिरजू बोलता है हम बिजली बनाने के लिए जनरेटर चलाते हैं, तो क्या किसी और के पास कोई और सवाल है। कालिया बिरजू कहता है हम एक परफेक्ट जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो क्या राष्ट्रपति साहब आपने कभी विंडमिल लगाने की सोची। चिंकी कहती है पर हमें वो सब लगाना और बनाना नहीं आता। कालिया कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं वो सब अपने आप देख लूंगा। अब जगदीश भगत को उससे ऐसे जलन हो रही थी जैसे अपने बिरजू को कभी उससे हुआ करती थी, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाता है, पर उसके मजाक पर कोई भी उसका साथ नहीं देता, तो वो वहां से उठकर चला जाता है। अब मुझे पता है नए और पुराने बिरजू के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो बूढ़ी घोड़ी उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनसे उनका मिडल नेम पूछती है। अपने वाला बिरजू बताता है कि उसका मिडल नेम बवासीर है, यानी कि उसका पूरा नाम हुआ बिरजू बवासीर भड़वा, जो सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं कि यार बवासीर किसका मिडल नेम होता है। जिसके बाद कालिया बिरजू बताता है कि उसका तो मिडल नेम है ही नहीं। तभी बूढ़ी घोड़ी जो ज्यादा चालू बन रही थी कहती है ठीक है नए वाले बिरजू का नाम बिरजू ही रहेगा और पुराने वाले का नाम बिरजू बवासीर रहेगा, जिस नाम के लिए अपना बिरजू बवासीर साफ साफ मना कर देता है, पर उसके मना करने से होता ही क्या है, कुछ नहीं। आगे बिरजू बवासीर अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है, जहां उसकी चौखट पर वो नया दरवाजा देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है ये नया दरवाजा किसने लगाया और भला तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो कहती है ड्रेस की बात तो ऐसी है कि मेरा मन किया तो मैंने पहन ली, और रही बात दरवाजे की तो उसको कालिए बिरजू ने लगा दिया। वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरी कमर पर थोड़ी सी दवाई लगा दोगी, क्योंकि वो धूप से झुलस गई है। बीमारी जो उसके काम को कभी नहीं नाटती थी इस बार नाट देती है, कहती है मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं ये एप्पल पाई बनाकर कालिए बिरजू के पास जा रही हूँ। वो पूछता है तो क्या तुम उस कालिए बिरजू को पसंद करने लगी हो। बीमारी कहती है ओ मेरे लाल को जलन हो रही है।
है? वो कहता है नहीं मैं क्यों जलूंगा, हम तो तलाकशुदा है ना, मेरा तुम पर अब कोई हक भी तो नहीं है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। जिसके साथ ही अपना बिरजू नाम से भी गया, काम से भी गया, धाम से भी गया, छोरियों से भी गया और वाइफ से भी गया। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा बिरजू बवासीर लाइलाज बीमारी के पास अपनी कमर पर क्रीम लगवाने जाता है, लेकिन वो क्रीम लगाने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे कालिया बिरजू के पास जाना था। अगले दिन हम देखते हैं इस धरती की सारी जनता गाय के पास खड़ी होकर आपस में बहस कर रही है कि वो इस गाय को छत से नीचे कैसे उतारे, जिस पर अपना बिरजू बवासीर कहता है गाय नीचे नहीं जाएगी क्योंकि हमें उसे नीचे भेजना नहीं आता। कालिया बिरजू कहता है गाय नीचे जाएगी, जाएगी कैसे नहीं मैं भी देखता हूँ, और उसको एक थपकी मारता है और गाय ऐसे दौड़ती हुई नीचे जाती है जैसे कि वो वहाँ थी ही नहीं। जो कमाल देखकर सभी लोग बिरजू की ऐसे तारीफ करने लगते हैं जैसे कि उसने एलोन मस्क का रॉकेट मंगल पर भेजकर वापस धरती पर लैंड करवा दिया हो। खैर अब कालिया बिरजू की इतनी तारीफ होती देख जगदीश भगत और बिरजू बवासीर की जल जाती है। आगे अपना बिरजू बवासीर चाय बनाने के लिए गाय के पास दूध लेने जाता है, जहाँ वो देखता है कि गाय अब एक नए बाड़े में है, जिस पर वो बीमारी से पूछता है ये बाड़ा किसने बनाया। वो कहती है तू तो सुत्ता ही रह गया, कालिया बिरजू ने बनाया है इसे। अब उसकी बहुत बुरे तरीके से जली पड़ी थी तो वो पूछता है अच्छा कल रात तुम कालिया बिरजू के पास गई थी तो क्या किया तुम लोगों ने। बीमारी कहती है अरे तेरी जली ना जली ना जली ना। वो कहता है तू जानती है मेरी कभी नहीं जलती। वहीं कालिया बिरजू जब जनरेटर ठीक कर रहा था तब चुस्की और बूढ़ी घोड़ी उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी कि ये मर्द किसी और के हिस्से में नहीं सिर्फ उनके हिस्से में आना चाहिए। तभी वहां बीमारी और बिरजू बवासीर पहुंचते हैं। कालिया बिरजू रात की एप्पल पाई के लिए बीमारी को थैंक यू बोलता है, जिस पर बूढ़ी घोड़ी की जल जाती है तो वो कहती है कभी मेरी हवेली पर आना, बढ़िया वाला माल बनाकर खिलाती हूँ क्योंकि मैं पहले हलवाई जो थी। तभी बातों को काटते हुए बीमारी उससे पूछती है अच्छा ये बताओ तुम रह कहाँ रहे हो। वो कहता है अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। बिरजू बवासीर बोलता है तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं रहते, इन लड़कियों के साथ रहकर क्या करोगे, हम दोनों सिंगल लौंडे हैं खूब मजे करेंगे। अब बिरजू बवासीर उसको अपने साथ इसलिए रखना चाहता था ताकि वो उस पर नजर रख सके कि वो किस किस की ले रहा है। कालिया बिरजू जो उसकी ये चाल नहीं समझ पाता कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे बिरजू बवासीर के घर पर कालिया बिरजू नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है, जिसकी चिकनी बॉडी देखकर अपने बिरजू की तो हवा ही निकल जाती है कि यार ये क्या पहाड़ इंसान है। और अगले दिन से पुशअप मारने लगता है और दो चार पुशअप मारकर उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी बन गई, तो वो अपनी बॉडी दिखाने कालिया के पास जाता है, जो उससे कहता है तुम ऐसे अधनंगे क्यों घूम रहे हो, जाओ जाकर कपड़े पहन लो। वो कहता है कल तुम भी तो मुझे अपनी बॉडी दिखा रहे थे और आज मैंने दिखा दी तो क्राइम हो गया। कालिया बिरजू कहता है बे साले तेरे दिमाग में बहुत भारी कमी है, मैं कल नहाने जा रहा था। अपना बिरजू कहता है हाँ तो मैं भी तो नहाने जा रहा हूँ, इसीलिए ही तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने आया था। गांव में ही जगदीश भगत चिंकी बजवाले से मिलने उसके घर जाता है और कहता है आजकल तुम कालिए के साथ बहुत घूम रही हो, उसके साथ घूमना बंद कर दो, अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप ज्यादा चले तो उससे बात करना उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। चिंकी कहती है हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है, और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती जगदीश भगत जो उसको लेकर इनसिक्योर फील कर रहा था कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने वाली हो, और इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो मैं तुमको छोड़ता हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ये कहने वाली नहीं थी, और ऐसा दिखाकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दरवाजा उसके मुंह पर मार देती है। वहीं चुस्की कालिया बिरजू को पटाने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उससे अपनी आइसक्रीम मशीन ठीक करवा रही होती है। तभी बूढ़ी घोड़ी और तलाकशुदा बीवी भी उसको पटाने के लिए वहां आ जाती है, जिसमें बूढ़ी घोड़ी उसके खाने के लिए कुछ बना कर लाई है और अपनी बीमारी उसके लिए अपने हाथों से एक स्कार्फ बना कर लेकर आई है, जो स्कार्फ उस कालिया बिरजू को बहुत पसंद आता है। और तो और वो बीमारी के नाखून पर बिल्ली वाली नेल पेंट देख कर कहता है मुझे बिल्ली मारना और बिल्ली बजाना बहुत पसंद है, जिस पर वो दोनों भी देती हाँ हमें भी सचमुच बिल्ली बहुत पसंद है। वहीं गांव में ही हम अपनी सोसाइटी के दो मर्दों को देखते हैं जो आपस में एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर रहे थे कि उनके साथ कालिया बिरजू के आने से कितना बुरा हो रहा है। जगदीश कहता है यार भाई मेरा तो चिंकी के साथ ब्रेकअप हो गया लगभग 3 घंटे पहले, और पूछता है भाई तुझे क्या लगता है कालिया चिंकी को बजा सकता है। बिरजू बवासीर कहता है क्या यार ये क्या बात कर रहा है तू, हाँ वो बिल्कुल बजा सकता है, वो इसी काम के लिए पैदा हुआ है।
आगे रात के टाइम पूरी सोसाइटी की बैठक होती है, जहां लाइलाज बीमारी सभी को बताती है कि कालिया बिरजू की वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम में सुधार आए हैं। जो तारीफ अपने बिरजू को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, तो वो कालिया बिरजू के साथ बहस करने लगता है। कहता है, तुम यहां आ गए मुंह उठाकर और सभी को अपनी तरफ कर लिया, और मैं जानता हूं कि तुम यूएसए का राष्ट्रपति बनना चाहते हो। कालिया कहता है, नहीं भाई, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति। बवासीर कहता है, हाँ तू बन भी नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं, जो अब से 4 साल बाद होंगे। तभी बूढ़ी घोड़ी, जो डेढ़ शाणी थी, कहती है, 4 साल का इंतजार क्यों करना, हम अभी वोट कर लेते हैं और मैं वोट देती हूँ कालिया बिरजू को। जिसके साथ ही सभी उसी को ही वोट देते हैं, यहाँ तक कि बीमारी भी उसी को वोट करती है। जिस सबसे होता तो कुछ नहीं, बस बिरजू बवासीर से उसका राष्ट्रपति पद छीन लिया जाता है और दे दिया जाता है कालिया बिरजू को। जिसके बाद राष्ट्रपति साहब सभी से पूछते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी खाली जमीनें हैं, तो क्या किसी ने फसलें उगाने के बारे में सोचा। तभी बिरजू, जिसको हवाबाजी करने का शौक था, मैदान में कूद पड़ता है और बाजी मारने के लिए कहता है, तूने मेरा आइडिया चुराया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक खेत पर काम कर रहा हूँ। जो सुनकर उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो साला आज तक झूठ ही तो बोलता आया था। राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत देखना चाहता हूँ, कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर। बिरजू बवासीर कहता है, क्या राष्ट्रपति साहब, आप तो ताव में आ गए, अभी सारे पेड़ पौधे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, हमें उनके आराम में दखल नहीं करना चाहिए। कालिया बिरजू कहता है, ठीक है, फिर कल सुबह देखूंगा मैं तुम्हारे खेत। जिसके बाद सारी सोसाइटी सोने चली जाती है और वो गधा पागलों की तरह पूरी रात खेत में मजदूरी करता है। जो करते करते उसको सुबह हो जाती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको अपना खेत दिखाने के लिए बुलाता है। तभी जगदीश भगत उसके पास दौड़ता हुआ आता है, कहता है, भाई कांड हो गया, हम बर्बाद हो गए, उस कालिए ने सारी लड़कियों के खेत में बीज बो दिया। जो सुनकर बिरजू बवासीर के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो यहाँ खेत में मजदूरी करता रह गया और असली मजदूरी कोई और ही कर गया। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपनी तलाकशुदा बीवी के पास जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने संस्कार कैसे भूल सकती हो। वो पूछती है, साले क्या हुआ, हमें तो बहुत मजे आए। तभी पीछे से चिंकी भी आ जाती है ये बोलते हुए कि यार आज तो मजे ही आ गए, वाह कालिया तुमने क्या गर्म पानी का हीटर चालू किया। जो सुनकर बिरजू बवासीर के चेहरे पर फिर से खुशी वापस आ जाती है कि उस कालिया ने किसी के साथ भी कबड्डी नहीं खेली। आगे कालिया बिरजू उसके खेत देखने जाता है और कहता है, वाह सच में क्या गजब का काम किया है बिरजू तूने। रात के टाइम हम देखते हैं कि कालिया लाइलाज बीमारी को बजा रहा है और वो अभी भी अपनी बजवाने से ज्यादा उससे बातें कर रही है, जो सब कालिया बिरजू को बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ बूढ़ी घोड़ी और चुस्की को उनके इंटीमेशन की आवाज आ रही थी, तो उन्हें बुरा फील हो रहा था कि ये कालिया तो उनके हाथ से गया। और तो और उनकी इंटीमेशन की आवाजें इन दोनों तक भी आ रही थी, जो दोनों बिल्कुल सदमे में थे। बिरजू बवासीर कहता है, मैं उस कालिये को मारना चाहता हूँ। जगदीश भगत कहता है, हाँ भाई मैं तेरा साथ दूंगा। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा, रात के टाइम कालिया बिरजू और लाइलाज बीमारी इंटीमेट होते हैं, जिनकी इंटीमेशन की आवाजें पूरे मोहल्ले को सुनाई देती हैं। जिस पर बिरजू बवासीर जगदीश से कहता है, मैं उस कालिये को मारना चाहता हूँ। जगदीश कहता है, हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन कालिया बिरजू सोलर पैनल से बिजली बनाने पर काम कर रहा था, जिसको काम करते हुए वो दोनों जल कुकड़े दूर से देख रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि वो उसको कैसे मारेंगे। तभी मोटा, जिसकी फटी पड़ी थी, कहता है, मुझसे नहीं होगा भाई ये, मैं किसी को मार नहीं सकता। बिरजू कहता है, बीवड़ी गैंड इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, उसको मारना बिल्कुल आसान है, हम उसको घुमाने के बहाने रेगिस्तान में ले जाएंगे और वहीं छोड़कर वापस आ जाएंगे, साला अपने आप मर जाएगा। जो सुनकर जगदीश भगत के कान खड़े हो जाते हैं, तो वो पूछता है, इसका मतलब ये है कि तू मुझे रेगिस्तान में मारने के लिए लेकर गया था, तू मुझे वहाँ छोड़कर भागना चाहता था, अब समझ में आया मुझे। बवासीर कहता है, हाँ मैं तुझे मारना चाहता था, पर देख यार तू मेरे सामने खड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं किया, हम दोस्त है, तुझे पता है ना मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, स्टीफन हॉकिंग की तरह। जो सुनकर जगदीश गुस्से में उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है कि यार ये तो गलत आदमी है बहनचोद। आगे बिरजू बवासीर अपनी एक्स धर्मपत्नी से मिलने जाता है और उससे पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, क्योंकि मुझे ये बाल छतरी का खाली पैकेट मिला है, इसके अंदर बाल छतरी होनी चाहिए थी पर वो नहीं है, और जानती हो ये बाल छतरी का खाली पैकेट मुझे तुम्हारे कचरे के डब्बे से मिला है, जिसका मतलब ये है कि तूने कल कालिया बिरजू से अपनी पिंकी मरवाई है। वो कहती है, हाँ मैंने कालिया बिरजू से अपनी पिंकी मरवाई है और उसने पूरी रात मेरी मारी है। जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है, तो कहता है, अब कहाँ
गए तेरे आदर्श। जब मैंने तेरी बूढ़ी पिंकी बजानी चाही थी तब तो तूने मेरे सामने शादी की शर्त रख दी थी, क्या तूने अब रखी उसके सामने शादी करने की शर्त? लाइलाज बीमारी कहती, हाँ मैंने तुम्हारे साथ शादी करने की शर्त रखी थी क्योंकि हम दोनों मिलकर एक बच्चे को पैदा करना चाहते थे। बिरजू पूछता है, अच्छा तो ये बता फिर कल रात तूने कालिए के साथ क्या होली खेली थी? बीमारी कहती है, अरे यार तू तो पागल हो गया है, मैंने उससे जो अपनी पिंकी मरवाई है वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम बच्चा पैदा थोड़े ही करना चाहते हैं। जो सुनकर बिरजू की सटक जाती है तो कहता है, साली कुतिया मजाक कर रही है ना, क्योंकि बहुत सड़ी की मैं भी तो तेरी पिंकी मारना चाहता था और तूने कहा शादी करेंगे और सब कुछ खराब कर दिया मेरा। जिस पर वो उससे कुछ नहीं कहती और उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है। आगे बिरजू बवासीर अपने घर पहुंचता है जहां वो देखता है कि कालिया बिरजू अपने कपड़े पैक कर रहा है लाइलाज बीमारी के साथ रहने के लिए, और जाते जाते वो बिरजू बवासीर से कह जाता है कि तेरी किस्मत साले बहुत खराब है, तूने बीमारी को अपने हाथ से कैसे जाने दिया, वो सचमुच एक शानदार और दिलदार लड़की है। जो सुनकर बिरजू बवासीर सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी लाइलाज बीमारी को छोड़कर, और बीमारी को फिर से पटाने के लिए झाड़ियों में से दो चार हरे पत्तों की डंडियां तोड़कर उसे देता है। और तो और वो अपने साथ ज्वेलरी का एक झोला भी भर कर लाया है, कहता है मेरी जान मैंने तेरे लिए एक गाना भी लिखा है। और इससे पहले कि वो उसे अपना गाना सुनाता तभी कालिया बिरजू वहां आ जाता है, जिस वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है। आगे रात हो जाती है और पूरी सोसाइटी एक साथ होती है जहां लाइलाज बीमारी कालिया बिरजू को हीरो ऑफ द मोमेंट बताती है और बताती है कि कालिया ने सोलर पैनल से बिजली बना ली है, जिस बिजली से वो बिरजू के पास रखे लैंप को जलाकर दिखाता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं हमें फिर से एसी चलाना है, हमें फिर से मिक्सी ग्राइंडर चलाना है वगैरह वगैरह। जिस सबसे चिढ़कर बिरजू उस लैंप को गिरा देता है जिससे वो लैंप टूट जाता है, और वो सबको ऐसे दिखाता है कि वो उससे गलती से गिर गया है ना कि उसने जानबूझ के गिराया है। कालिया बिरजू को उस पर गुस्सा आ जाता है तो वो उससे कहता है, साले तूने उसे जानबूझकर गिराया है ना, तू ही उठाएगा अब उसे। बिरजू बवासीर कहता है, बे साले गंडवे बेवकूफ हो गया है क्या, मैंने उसे जानबूझकर नहीं गिराया है और गिराया भी है तो मैं नहीं उठाऊंगा। कालिया कहता है, बावड़ी गाइंड मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठाओ उसे। वो कहता है, नहीं मैं नहीं उठाएगा, तेरे पास तगड़ी बॉडी है, ज्यादा जान है, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो बोल रहा है मैं वही करूँ, तेरे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, तुझसे डरता नहीं हूँ मैं। जिस सब बहसबाजी के बीच जगदीश भगत को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है, साले गंडवे बिरजू बवासीर मैंने तुझे देखा था, तूने ही उस लैंप को जानबूझकर गिराया है, और कालिया को चिल्ला चिल्ला कर सारी स्कीमें बता देता है कि आज सुबह वो तुझे मारने का प्लान बना रहा था जिसमें वो तुझे रेगिस्तान में घुमाने ले जाता और वहीं छोड़ आता, जो सब उसने पहले मेरे साथ भी करने की कोशिश की थी। अब ये मारने वाली बात सुनकर पूरी सोसाइटी सन्न रह जाती है कि साला कोई इतने नीचे कैसे गिर सकता है, और अपना बहनचोद बवासीर एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं कि साला दूसरी में फंस जाता है। जो सब सुनकर कालिया बिरजू उसके पास आता है और कहता है, साले तेरा टाइम आ गया है, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से निकल ले क्योंकि तू यहाँ रुकने के लायक नहीं है। अपना बिरजू कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये घर मेरा है, ये गांव मेरा है, ये जगह मेरी है, मैं यहीं पर पैदा हुआ था और यहीं पर मरूंगा। जो बोलकर वो सभी को उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि कोई उसका साथ दे, पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। वो कहता है, ठीक है वैसे भी मेरे लिए यहाँ अब कुछ नहीं बचा, और दौड़कर अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है ताकि कोई भी उसको यहाँ से निकाल ना सके, जिसमें वो 3-4 दिनों तक उसी कमरे में पड़ा रहता है और भूख के मारे टॉयलेट पेपर खाने लगता है। आगे एक दिन बीमारी उसका हालचाल पूछने आती है जिसमें वो उसको वहां से जाने के लिए कहता है, मैं जानता हूँ मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। बीमारी कहती है, तुझे कोई भी तेरे घर से नहीं निकाल रहा, तू पिछले 3 दिनों से घर के अंदर बंद है, तुझे भूख लगी होगी, आजा बाहर आजा, सभी लोग बाहर बैठे हैं, गाना बजा रहे हैं और खा पी रहे हैं, आजा तू भी शामिल हो जा, और मेरा वादा है कि तुझे कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा। जिसके बाद वो बाहर जाता है और देखता है कि सभी लोग गाना बजा रहे हैं, खा खुजा रहे हैं। तभी वहाँ कालिया आता है और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ एक कार में पाता है, जिसमें ऐसे ही काफी दूर तक लंबा सफर तय करने के बाद कालिया बिरजू उसे रेगिस्तान में छोड़ देता है 2 दिनों का खाना देकर, और जाते वक्त उसे कहता है, साली गंदगी वापस आने के बारे में सोचना भी मत। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है, और बिरजू बवासीर ये सोचता है कि कालिया बिरजू ब्रेक मारकर उसे वापस लेने आएगा क्योंकि वो गंडवा ये खेल जानता था, पर कालिया बिरजू वापस नहीं आता। जिसके जाने के बाद वो अपने खाने की सप्लाई देखता है और आइडिया लगाता है कि वो जैसे तैसे करके अपने खाने को 3 दिन तक
चला ही लेगा और अपने लिए एक मस्त सी जगह ढूंढकर उसे अपना रेन बसेरा बनाएगा और मस्त मस्त लड़कियों के साथ रहेगा। जिसके बाद 20 मिनट गुजर जाती है और हम देखते हैं कि उस घोचू के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से भूखा जो था अब 3 दिनों की सप्लाई चट करने का मतलब ये था कि उसका मरना अब तय है। खैर जो भी हो, वो वहां पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था तो यूं ही पैदल ही इधर उधर कहीं भी चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिंकी जगदीश भगत से मिलने जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि बिरजू बवासीर ने तुमको मारने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुमसे दूर हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों पैचअप कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं बिरजू बवासीर जो चल चल कर थक चुका था सड़क पर ऐसे ही धूप में नींद ले रहा था, तभी लाइलाज बीमारी उसे ढूंढती हुई वहां पहुंचती है जो अपने साथ बहुत सारा खाना लेकर आई थी। कहती है, मुझे नहीं लगता था कि 2 दिनों की सप्लाई तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, तो ये सब मैं तुम्हें देने आई हूँ। और उसे उसका ख्याल रखने का बोलकर वहां से जाने लगती है और पूछती है, क्या तुमने सचमुच मेरे लिए गाना लिखा था। वो कहता है, हाँ मैंने गाना लिखा था, जिसको वो गाकर सुनाता है, जो गाना बिल्कुल ही वाहियात और घटिया था, पर उसने वो लाइलाज बीमारी के लिए लिखा था तो उसे वो गाना अच्छा लगता है। जिस गाने को सुनकर वो उससे पूछती है, तो बताओ किस तरफ चलना है। वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। बीमारी कहती है, हाँ तुम्हें मेरी जरूरत जो है। बिरजू पूछता है, तो फिर उस काली बिरजू का क्या होगा। बीमारी कहती है, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दे। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और फैसला करते हैं कि उन दोनों को फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें वो एक दूसरे को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जो सब देखकर हमें पता चलता है कि लाइलाज बीमारी का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। तभी हम ऊपर पृथ्वी के बाहर एक स्पेस शटल को देखते हैं जो ऊपर से मरी हुई धरती पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ ही इस खूबसूरत कहानी का पहला सीजन यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।